ओके जी, तो आज हमने टेबल्स पढ़ना है, HTML में टेबल्स। तो टेबल के लिए सिंपल हमारा टैग है टेबल। टेबल क्या करता है, एक हमें टेबलर फॉर्म और टू क्रिएट्स अ टेबल विद इन अ डॉक्यूमेंट के, एक टेबल में हम सॉरी एक डॉक्यूमेंट में हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर, मैंने प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट किया है, उसमें इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल, और वह इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल ये हमारे पास है। तो उस इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में उसका टाइटल हमने दे दिया टेबल्स। तो सिंपल अगर हम स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो हम सबसे पहले हेडर, हेडर में हम अपनी नेविगेशन बार वगैरह जो भी यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें ए का एलिमेंट और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, और इसको हम होम का नाम दे देते हैं। तो ये हम स्ट्रक्चर इस तरह क्रिएट करते हैं। बॉडी में सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, हेडर आता है। हेडर के फ़ौरन बाद मतलब कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लाजमी नहीं नैबो हेड। अगर हमने नेविगेशन सिर्फ अभी यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर नेविगेशन, उस नैब में हमने एक अनऑर्डर लिस्ट लिया, उसमें लिस्ट आइटम, और लिस्ट आइटम में हमने एक एंकर टैग यूज़ कर लिया। हेडर के बाद हमारा मेन कंटेंट जितना भी होता है, जो हम अपने वेब पेज पर रख रहे होते हैं, वो हम मेन एलिमेंट के अंदर लिख रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हम टेबल्स यूज़ टेबल हम बनाना चाह रहे हैं, तो इसके हम हेडिंग लिखते हैं माई टेबल। और फुटर के लिए हम क्या करते हैं, फुटर, फुटर के अंदर एक हम बी का एलिमेंट ले लेते हैं, और उसमें कॉपीराइट 2021 ऑल राइट्स रिजर्व नहीं कर लिया। हम अपनी वेबसाइट पे आते हैं, तो यहाँ पे देखें हेडर, मेन कंटेंट, और ये हमारा फुटर आ गया। अब इसमें मेन कंटेंट के अंदर हम टेबल यूज़ करना चाह रहे हैं, तो हमने सिंपल क्या करना है, टेबल हमने टेबल एलिमेंट लिया, उस टेबल एलिमेंट के अंदर हम सबसे पहले क्या बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक्सेल की शीट में आते हैं, तो हमारे पास ये क्या चीज़ है, ये 35, किसी को पता है इसके बारे में, एनीवन? हॉरिजॉन्टली हम इसको क्या कहते हैं, रो जी ये एक रो है। तो हमने एक टेबल बनाया, हम उसके अंदर एक रो बनाना चाहते हैं, तो टेबल रो हम बनाते हैं टी आर। टी आर स्टैंड्स फॉर टेबल रो। हमने एक टेबल रो बना ली, उस टेबल रो के अंदर हम थ्री कॉलम्स बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम तीन कॉलम में डाटा रखना चाहते हैं, तो टेबल का डाटा, हमने एक टेबल बना लिया, टेबल रो के लिए हम टी आर यूज़ कर रहे हैं, उस टेबल डाटा के लिए जो एक सेल क्रिएट करता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं टी डी। टी डी यूज़ कर लिया। लेट सपोज़ हम कोई स्टूडेंट्स की लिस्ट बना रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया अहमद, एक में लिख दिया हसन, और एक में हमने लिख दिया अली। अहमद, हसन, अली, हमारे पास तीन सेल्स आ गए। हम अपनी वेबसाइट में देखते हैं, तो ये देखें अहमद, हसन, और ये अली। अच्छा, हमारे टेबल में बाय डिफ़ॉल्ट क्या कहते हैं बॉर्डर आता है, तो पता नहीं ये इस ब्राउज़र का इशू है या क्या हो रहा है। तो टेबल एक रो में है, जितने भी इसमें सेल्स आते हैं उसमें हमारे पास बॉर्डर शो होता है, तो वो भी बॉर्डर नज़र नहीं आ रहा है। तो इसको हम देख लेंगे, हम इसको किस तरह कर सकते हैं, हम खुद से भी स्टाइलिंग कर सकते हैं बाद में। तो टेबल रो हो गया। लेट सपोज हम एक और रो बनाते हैं, टेबल रो, उसमें अब इस लेट सपोज हम एक मार्कशीट बना रहे हैं, अहमद के मार्क्स जो हम करेंगे टी डी, टी डी में क्या होगा, अहमद के मार्क्स हैं लेट सपोज 25, हसन के मार्क्स हैं 50, और अली के मार्क्स हैं 60। तो अब इस टेबल रो में टी डी अहमद के नीचे एक और रो में
जो टेबल डाटा होगा वो अहमद के नीचे 25 आ रहा होगा, हसन के नीचे 50 और अली के नीचे 60 आ रहा होगा। सेव किया हमने, अपनी वेबसाइट पे आते हैं तो ये देखें अहमद के 25, हसन के 50, अली के 60। इसी तरह हम मज़ीद एक और टेबल रो बना सकते हैं। उस टेबल रो के अंदर टी डी में हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज इसको कह देते हैं फेल, इसे हम कह देते हैं पास और इसे भी हम कह देते हैं पास। सेव किया और अपने वेबसाइट पे, तो ये देखें अहमद के मार्क्स हैं 25 और 25 वाला फेल है, हसन के 50 हैं ये पास है, अली के 60 हैं और ये पास है। तो इस तरह भी हम कर सकते हैं। अगर मैं आपको टेबल दिखाऊं यहाँ पर, तो इसमें आती हैं, तो इसमें देखें अब बेसिक HTML टेबल, इसमें हम लेट सपोज इसका ही डाटा कॉपी करते हैं और अपनी वेबसाइट पे पेस्ट करते हैं ताकि आप लोगों को कुछ मज़ीद क्लियर हो जाए। ओके जी, अब हमने क्या किया था, टेबल हमने एक बनाया था, टेबल में टेबल रो टेबल रो टेबल रो, टोटल हमारे पास कितनी रोज़ आ गई हैं, 3 रोज़ आ गई हैं हमारे पास। अब पहली रो में नॉर्मली होता क्या है कि टेबल की हेडिंग होती है, टेबल की हेडिंग होती है, तो टेबल की हेडिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, TH एलिमेंट हम यूज़ करते हैं। हमने एक टेबल बनाया उसमें रो के लिए TR, हेडिंग के लिए TH, टेबल रो बनाई। अब इससे हेडिंग कंपनी का डाटा आएगा हमारे पास, तो डाटा हम किस में लेते हैं, TD में लेते हैं। तो कंपनी, ये कंपनी का नेम है, उसके बाद एक और मज़ीद कंपनी, ये कंपनी है, उसका कॉन्टैक्ट क्या है, ये कॉन्टैक्ट ये कॉन्टैक्ट, कंट्री कौन सी है, किस कंट्री में है, इस कंट्री में है और इस कंट्री में है। सेव किया हमने अपनी वेबसाइट पे, तो ये देखें कंपनी यहाँ से लेकर यहाँ तक, कॉन्टैक्ट ये कॉन्टैक्ट और ये कंट्री, और सॉरी कॉन्टैक्ट इस कंपनी का ये नेम, कॉन्टैक्ट ये है और कंट्री ये है, इस कंपनी का नेम, ये कंपनी का नेम है, ये उसका कॉन्टैक्ट पर्सन है और ये कंट्री है। सेम जिस तरह हमने इसमें लिखा था, टेबल रो, टेबल रो में पहला कंपनी में ये आ जाएगा और दूसरी में कंपनी ये आ जाएगा, कॉन्टैक्ट में पहला कॉन्टैक्ट और इस जी इस कंपनी का कॉन्टैक्ट ये पर्सन और कंट्री ये है, और सेकंड का कंपनी का नेम ये, कॉन्टैक्ट पर्सन ये और कंट्री ये, सेम एज इट इज़। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बॉर्डर ही आ रहा है, तो हम इसको एक बॉर्डर लगा भी देते हैं। तो बॉर्डर कैसे लगाते हैं, सिंपल हमने क्या करना है, अगर हम जब स्टाइलिंग करेंगे तो इसको अगर आप नोट ना भी करें तो चलेगा, तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए कि टेबल को TR TH TD बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, अपनी वेबसाइट पे आते हैं तो ये देखें कंपनी कॉन्टैक्ट और ये कंट्री, सेम एज इट इज़। अगर हम टेबल को भी लगा दें तो यहाँ पे अब ये डबल बॉर्डर आ जाएगा जिस तरह अरे इसमें शो हो रहा था, तो ये देखें जी क्लियर है टेबल यहाँ तक। यस सर। सर टेबल की हेडिंग को लेफ्ट और राइट में कर सकते हैं, कौन सी हेडिंग को, इसको जी कंपनी कॉन्टैक्ट और कंपनी, हाँ जी TH जो है, अब ये देखें TD जो है बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, लेफ्ट में है, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट में है, कंपनी देखें हेडिंग जो है वो सेंटर में है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका टेक्स्ट लाइन जो होता है सेंटर है, तो हम इसको लेफ्ट में कर सकते हैं। सिंपल हमने क्या करना है, TH है
टी एच को टारगेट किया और टेक्स्ट अलाइन हमने इसको लेफ्ट कर दिया। लेफ्ट करेंगे तो अब देखें ये भी लेफ्ट में हो गया है। बाय डिफ़ॉल्ट इसका टेक्स्ट लाइन जो है वो सेंटर में होता है, तो हम इसको लेफ़्ट भी कर सकते हैं राइट भी कर सकते हैं, हमारे खुद पे डिपेंड करता है। अगर हम टेबल रो ख़त्म कर भी दें तब भी ये सेम एज इट इज़ वर्क करेगा जी। और किसी का कोई सवाल हो? अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट पहले मतलब थोड़ी देर पहले की ही बात है, तो उस टाइम भी प्रैक्टिस कर रहे थे, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको बॉर्डर मिला होता है, तो मे बी इन्होंने स्टाइलिंग चेंज कर दिया है। ओके जी, ये हो गया हमारा टेबल टी आर टी डी और टी एच, ये हमारा कंप्लीट है। अगर हमने किसी टेबल को कैप्शन देना हो तो हम कैप्शन एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं। ये कैप्शन एलिमेंट जो है टेबल एलिमेंट के फ़ौरन बाद आएगा। हमने कैप्शन, अब इस टेबल का कैप्शन जो भी लिखना है, लेट सपोज कंपनीज डाटा, कंपनीज डाटा हमने लिखा, नहीं वेबसाइट पे आते हैं तो ये देखें अब यहाँ पर ये कंपनीज डाटा हमें शो हो रहा होगा। सेम इसके बाद टी हेड टी बॉडी और टी फुट, लेट सपोज आप का टेबल जो है बहुत बड़ा है, ये तो हमने सिंपल एक बेसिक सा बनाया ना, लेट सपोज कोई एक पूरी शीट है जिसमें 31 डेज़ का डाटा आप लोगों के पास, तो जब एक बहुत बड़ा डाटा हो, लेट सपोज इसकी अगर हम एग्जांपल ले लें यहाँ से लेकर यहाँ तक, या फिर कोई कैलकुलेशन वाला डाटा हो जिसमें कंपनीज़ के इनकम और एक्सपेंस वगैरह हो, अमाउंट वगैरह हो, उसको नीचे कैलकुलेट किया गया हो, तो वो हम किस तरह बनाते हैं वो फिर हम सिंपल टेबल कैप्शन, कैप्शन के बाद जिस तरह भी बाय डिफ़ॉल्ट हम सिर्फ टेबल रो ले रहे हैं, तो हम क्या करते हैं टी हेड, इस टी हेड के अंदर हम इसको ले आते हैं टी हेड। अब इस टेबल का जितना भी डाटा होगा, जो बॉडी का डाटा होगा, उसको हम टी बॉडी में ले आते हैं। टी बॉडी में ले आए, लेट सपोज यहाँ पर इस तरह हमने कर लिया और इसको भी हमने काफ़ी लेंथी सा इसको बना दिया। हम इसमें अमाउंट भी लिख सकते थे, लेट सपोज फॉर एग्जांपल अमाउंट भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब इस टी बॉडी के बाद हमने क्या करना है, टी फुट का एलिमेंट लिया, इस टी फुट में हम लेट सपोज कोई अमाउंट वगैरह ही कह लें, लेट सबसे राइट साइड जो है उसमें अमाउंट है और इसकी लास्ट में फुट में कैलकुलेशन हो रही है, तो हम यहाँ पर सिंपल उसको इस तरह कैलकुलेशन भी दिखा सकते हैं। अच्छा जी, टी फुट, टी फुट के अंदर भी एक टी आर, तो ये देखें अब लास्ट में फुट में क्या होता है कि डाटा नहीं लिखा हुआ होता, तो हम इसको इस तरह रिमूव भी कर सकते हैं। हमने रिमूव किया, लेकिन देखें यहाँ पे रिमूव करने के बाद भी आपके पास स्पेस आ रही है इस तरह, लेकिन हम चाहते हैं कि इस तरह कोई स्पेस लिखी हुई ना नज़र आए, और हम चाहते हैं कि यहाँ पर टोटल अमाउंट लिखी हुई आ जाए। हमने टोटल अमाउंट कर दिया, टोटल अमाउंट यहाँ से लेकर, लेकिन हमारे पास अभी भी ये स्पेस है, तो हम क्या करेंगे, हमने सिंपल इसको रिमूव किया। हमारे पास टेबल डाटा कितने होने चाहिए यहाँ पर, एक और दो और थर्ड पे ये आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे इस टी डी को कॉल स्पैन, कॉल स्पैन हो जाए, स्पैन कितने में हो, टू में हो, कि ये टेबल डाटा जो है वो टू टेबल डाटा का काम करेगा। हमने इसको सेव किया, तो अब ये देखें टोटल अमाउंट जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है और ये यहाँ पे शो हो रही है, तो हम इस तरह भी कर सकते हैं।
जी क्लियर है यहाँ तक टेबल डाटा? टेबल्स का जो बॉर्डर है जी ये बाय डिफॉल्ट डबल होता है, नजर आता है। हाँ जी, बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह डबल नज़र आता है, तो हम इसको भी चेंज कर सकते हैं स्टाइलिंग की मदद से, हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज हम चेंज किस तरह कर सकते हैं, टेबल को टारगेट किया, हम इसको करते हैं बॉर्डर, बॉर्डर कोलैप्स, बॉर्डर कोलैप्स को हम कर देते हैं कोलैप्स, वेबसाइट पे आते हैं। तो ये देखें, अब हमारे पास ये एक बॉर्डर नज़र आ रहा है, हमने टेबल को किया, हम इसको मज़ीद टी एच और टी डी, तो इसको भी इस तरह हम कर सकते हैं। तो अब ये एक बॉर्डर ही हमारे पास आ रहा है जी। किसी और का कोई सवाल हो? अच्छा, हम यहाँ पे इस तरह इसको नंबरिंग भी दे सकते हैं, अगर हम अपनी कोडिंग में आए और पहला ये सिंपल हम इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं और हर इसमें आके वन टू और ये थ्री, तो हम इस तरह हर उसमें आके, अभी देखें ये इस तरह मतलब शो नहीं हो रहा है क्योंकि हमें फिर ये जितने भी टेबल डाटा हैं इन सब में ये लिखना पड़ेगा। लेट सपोज मैं इन सब को स्किप करता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक टी डी, अब मैं इसको ही लेकर चलता हूँ नीचे तक, सेव किया। तो ये देखें वन टू थ्री, थ्री के बाद फिर आप इसको जितना मर्जी मतलब चेंज कर सकते हैं, और टोटल अमाउंट अब देखें यहाँ पर हमने क्या किया था, कॉल स्पैन टू किया था, तो ये एक दो इस पे वर्क कर रहा है, लेकिन अब हमें चाहिए थ्री तक, तो हमने क्या करना है, टी डी कॉल स्पैन, हम इस कॉल स्पैन को क्या करेंगे, एनी वन, थ्री कर देंगे। हम इसको थ्री कर देंगे, थ्री हमने किया, सेव किया। तो अब ये देखें टोटल अमाउंट हमारे पास ये आ गई। एक्चुअल में हमने यहाँ पे कंट्री लिखा है, तो हम इसको सिंपल अमाउंट कर सकते हैं, लेट्स सपोज कंपनी की इनकम, ये इनकम आ रही है, कुछ भी डिस्क्रिप्शन वगैरह उसकी लिखी और यहाँ पर अमाउंट लिखी, तो जो अमाउंट आती जाएगी वो फिर हम लास्ट में इस तरह सम इसका जो भी रिज़ल्ट आता होगा वो हम शो करवा सकते हैं। तो ये फिर इस तरह वर्क करेगा जी। क्लियर है टी फुट तक? सर हम इस तरह नहीं कर सकते, कोई सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं लास्ट वाली रो में? हाँ जी लगा सकते हैं, लेकिन वो जावास्क्रिप्ट की मदद से होगा। मतलब जितने भी कैलकुलेशन है वो सारा वो सारा स्क्रिप्ट से? हाँ जी वो फिर जावास्क्रिप्ट की मदद से हम करेंगे, क्योंकि HTML में तो सिर्फ और सिर्फ हम स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, हमने ये स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, अभी तो हमने इसकी स्टाइलिंग भी नहीं की है। स्टाइलिंग जो करेंगे वो हम CSS की मदद से करेंगे, उसके बाद फंक्शनैलिटीज़ जो ऐड होंगी वो जावास्क्रिप्ट की मदद से होंगी। जी क्लियर है? सर अगर हमने टेबल की हेडिंग को कलर करना हो तो वो हो सकता है? हाँ जी सब कुछ हो सकता है। हमने ये देखें हमारे पास टेबल की हेडिंग जो है, लेट्स सपोज ये टेबल की हेडिंग है, ऐसे ही है जी सर। टी हेड में ये टेबल की हेडिंग है जो हमें यहाँ पे ये शो हो रही है। अगर तो सिर्फ और सिर्फ इसका कलर चेंज करना है, कंपनी का, कॉन्टैक्ट का, कंट्री का, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जिस तरह हम थोड़ी सी ये स्टाइलिंग कर रहे हैं, हमने क्या करना है, टी एच को टारगेट किया, टेबल हेडिंग को, उसका कलर जो है आप क्या चाहते हैं कौन सा कलर हो, रेड कर दें, तो हम रेड करने गए, सेव किया। तो ये देखें
कलर इसका रेड हो गया। और लेट सपोज हम चाहते हैं कि पहले दो कॉलम जो हैं, पहले दो कॉलम जो हैं उनका कलर और हो और लास्ट जो कॉलम है उसका कलर और हो। तो हमारे पास पहले दो कॉलम जो बनेंगे वो ये बनेंगे, वन और ये टू। तो हम इसको कैसे अचीव कर सकते हैं, हमने सिंपल क्या करना है, इस टेबल में आके कॉलम्स के ग्रुप बना देने हैं। अभी हमारे पास टोटल कितने कॉलम्स हैं, हमारी वेबसाइट में टेबल जो है टोटल कितने कॉलम्स हैं जी, फोर कॉलम्स हैं। रोज जितनी भी हैं वो हमने काउंट नहीं की, फोर कॉलम्स हैं, वन टू थ्री एंड ये फोर। अगर हम इसको भी लेट सपोज यहाँ पर सीरियल नंबर लिखना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको सीरियल नंबर का भी नाम दे सकते हैं। तो सीरियल नंबर हमने जैसे लिखा, टी एच एलिमेंट सेलेक्ट था जिसका कलर रेड किया हुआ हमने, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सीरियल नंबर आ गया। हम चाहते हैं कि ये कंपनी और कॉन्टैक्ट जो है इसकी स्टाइलिंग बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। अगर देखें हम यहाँ पर क्या करेंगे, टी डी को हम टारगेट करते हैं, लेट सपोज टी एच जितने थे उसका कलर चेंज हो गया, हम टी डी बैकग्राउंड कलर लेट सपोज हम करते हैं चॉकलेट, बैकग्राउंड चॉकलेट किया तो ये देखें ये सारों में अप्लाई हो गया है। लेकिन हम चाहते हैं कि पहले कॉलम को छोड़ के दूसरा और ये तीसरा जो सेकंड एंड थर्ड कॉलम है इस पे सिर्फ और सिर्फ जो फंक्शनैलिटी जो भी हम ऐड कर रहे हैं स्टाइलिंग कर रहे हैं वो इम्प्लीमेंट हो। तो हम कॉलम्स का ग्रुप बना देते हैं कॉल ग्रुप के नाम से, कॉल ग्रुप एलिमेंट है उसके अंदर कॉलन, इसको हम कर देते हैं स्पैन। कॉलन स्पैन में क्या होगा, ये पहला कॉलम वर्क करेगा दूसरे पे दो और उसके बाद एक। तो हमारे पास अब कितने हो गए टोटल कॉलम यहाँ पर, वन टू थ्री एंड ये फोर हो गए ना, वन टू थ्री एंड ये फोर। हम चाहते हैं कि टी डी सारों पे ना इस तरह हो, यहाँ पर स्टाइल, जब हम स्टाइलिंग में पहुँचेंगे ना तब ये आप लोगों को ज़्यादा समझ भी आ जाएगी। अभी मैं बस दिखा रहा हूँ कि हम इस तरह भी चीज़ों को मर्ज कर सकते हैं और स्टाइलिंग इस तरह कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर इसका हम चाहते हैं कॉर्नफ्लोर ब्लू हो जाए, स्टाइल बैकग्राउंड कलर इसको हमने चॉकलेट दिया था, हम इसको चॉकलेट कर देते हैं और इसका स्टाइल बैकग्राउंड कलर जो है डार्क सियान। सेव किया अपनी वेबसाइट पे, तो अब देखें पहला कॉलम ये था, हमने इसको मर्ज किया और इसकी स्टाइलिंग थर्ड सेकंड एंड थर्ड ये और ये फोर्थ। अब हम इसमें जो भी स्टाइलिंग करेंगे इस यहाँ पर जो भी स्टाइलिंग करेंगे वो सारे के सारे फर्स्ट कॉलम पे ही वर्क करेगा। अब वन में ही ये आता है, टू में भी यही आता है, थ्री में भी यही आता है, तो जो भी हम पहला सेलेक्ट करेंगे ये उस पर ही वर्क करेगा। और फोर्थ में ये आता था तो फोर्थ पे ये इम्प्लीमेंट हो चुका है जी। किसी का कोई सवाल हो, हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। लेट सपोज ये जो टू कॉलम्स थे हमने क्या किया, इसको कलर वाइट कर देते हैं, कलर वाइट किया शुड बी वर्क। बैकग्राउंड कलर कलर येलो, वेल इसे वर्क होना चाहिए था, खैर इसे हम देख लेंगे अगर होता है तो, वरना हम बाद में ऊपर जब सीएसएस में पहुंचेंगे तो तब हम इस पे ट्राई कर सकते होंगे। खैर इसे अभी हम रिमूव करते हैं।
जी किसी का कोई सवाल हो टेबल में से? सर टेबल में हमने सोलिड कलर यूज़ किया हुआ है, अगर हम ग्रेडिएंट करें तो कौन सा कलर? ग्रेडियंट कलर्स की बात कर रहे हैं? हाँ जी, वो भी हम कर सकते हैं। एक्चुअल में अभी हम ये CSS के टॉपिक पे नहीं है, जब हम CSS में पहुँचेंगे तो तब हम CSS की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे, तो वरना हम सर अगर ग्रेडियंट कलर टेबल भी को यूज़ कर अलाइन सकते करना हैं। हो तो वो कैसे करें? क्या करना हो? टेबल को अलाइन करना हो राइट पे लेफ्ट पे? हाँ जी, वो भी हम कर सकते हैं। मैंने कहा ना, वो जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं ये सिर्फ स्ट्रक्चर है, स्टाइलिंग जो है वो CSS में आ जाती है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, ये टेबल है, इस टेबल को यहाँ पे टारगेट करके इसको अगर सेंटर में लेकर आना है तो हम इसको इस तरह सेंटर में लेकर आ सकते हैं। इसको राइट लेकर आना हो तो हम इसको राइट पे भी लेकर आ सकते हैं। तो वो सब CSS की मदद से होगा। तो अभी हम CSS नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ और सिर्फ HTML कर रहे हैं। तो HTML में रहते हैं, जैसे जैसे आप लोगों की असाइनमेंट्स बन रही हैं उसके बाद ही हम उस पर CSS भी इम्प्लीमेंट कर सकते होंगे। जी क्लियर है? सर मुझे अभी याद कर रहे थे, मुझे हुक्म फरमाए क्या आप कहना चाह रहे थे? एक्चुअली मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा था जी, भी बात कहनी थी तो ये आप फरमा सकते हैं अभी। नहीं, वो बस मैं यही पूछ रहा था कि सर ने क्लास अटेंड करनी है कि नहीं करनी है, बस आपका वेट हो रहा था और तो कुछ नहीं। अच्छा, नहीं बस एक्चुअली मेरे पास थोड़ा इंटरनेट का इशू था, नो कनेक्ट प्रॉब्लम नहीं हो सर, रहा था, बस और नो कोई बात प्रॉब्लम, नहीं। जजाक अल्लाह खैर। मैं कल आपको ओवर द कॉल बात करूंगा रिगार्डिंग दिस क्लास इंशाल्लाह। जी ज़रूर, इंशाल्लाह। ओके जी, इसके बाद हमारा ये टेबल हो गया। टेबल में से काइंडली बता दें किसी का कोई भी सवाल हो तो उसके बाद फिर हम फॉर्म्स पे मूव करते हैं। क्लियर है टेबल? ये दो कलम कैसे इकट्ठे वर्क कर रहे थे? हमने क्या किया था, सही आप। हमने टेबल के अंदर कॉलम्स को ग्रुप में ले लिया। बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी हैं ये सब एक एक कॉलम में, ठीक हो गया, इनका ग्रुप एक एक का बना हुआ है। कॉलम वन में ये आता है, कॉलम वन में ये, कॉलम वन में ये, और कॉलम वन में ये, इसी तरह सो ऑन। तो हम चाहते हैं कि पहला कॉलम पहला ही रहे। हमने क्या किया, एक कॉलन लिया कॉलन ग्रुप के अंदर कॉलन, और उस कॉलम को हमने स्पैन कर दिया 2। तो अब क्या होगा, कॉलम वन, कॉलम टू एंड थ्री इस कॉलम में आगे हमने ग्रुप कर दिया, और फोर्थ को जो है हमने लास्ट पे इस तरह रहने दिया। तो हम इसको इस तरह, अगर हम सिंपल 2 को 3 कर देते और इसको हम स्किप करें तो अब क्या होगा, फर्स्ट का बैकग्राउंड कलर जो है ये रहेगा, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चॉकलेट हो जाएगा। सेव किया तो अब ये देखें, अगर हमने ऊपर कलर रेड किया था हम इसको वाइट कर देते हैं तो ये प्रोमिनेंट थोड़ा सा हो जाएगा। हम चाहते हैं कि इसका कलर भी, ये फुटर का कलर, फुटर के अंदर जो भी है उसका कलर भी चेंज हो जाए। तो टी फुट उसका कलर जो है वाइट हो जाए। तो अब ये देखें, तो ये जितनी है स्टाइलिंग वगैरह ये सब हम CSS की मदद से कर सकते हैं। तो जब हम CSS पे पहुँचेंगे तो उस टाइम इंशाल्लाह देखेंगे, इससे भी हम बहुत प्यारे प्यारे टेबल बना रहे हैं। ये तो सिंपल यानी कि एक डमी सा डाटा कह लें, स्ट्रक्चर बस बनाया है कि स्ट्रक्चर से आपको पता लग जाए। तो जब हम CSS पे पहुँचेंगे हम इससे बहुत प्यारे प्यारे आप लोगों को मतलब एक असाइनमेंट भी मिलेगी टेबल की ही होगी, जिसमें जिस तरह अक्सर वेबसाइट में देखा होगा, ऐप्स वगैरह में देखा होगा आपने, लाइट मोड और डार्क मोड होता है। तो हम टेबल जो बनाएंगे वो लाइट मोड और डार्क मोड का बनाएंगे इंशाल्लाह। तो HTML अभी हम कर रहे हैं, तो HTML का टेबल भी हो गया है। उसके बाद हम आ जाते हैं फॉर्म्स पे, तो टेबल का बता दें, क्लियर है? क्लियर है ओके जी, चैप्टर नंबर 7 फॉर्म्स। अब फॉर्म्स हम क्यों यूज़ करते हैं, अक्सर वेबसाइट पे देखा होगा, नॉर्मली ऑलमोस्ट हर वेबसाइट पे ही कह लें हम फॉर्म्स यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर्म से क्या होता है कि हम यूज़र से डाटा रिसीव करते हैं,
यूज़र को हमने बताना होता है कि आप ये डाटा फिल करो और उसको सबमिट करो ताकि वो डाटा हम रिसीव कर सकें। तो फॉर्म बनाने के लिए सिंपल हमारे पास एक फॉर्म का एलिमेंट, ओके जी, ये हमारा इंडेक्स था, हम इसको चेंज करते हैं और आ जाते हैं फॉर्म्स डॉट एच टी एम एल। यहाँ पर हम फॉर्म्स लिखते हैं, फॉर्म्स हमने लिख लिया, सेम वही चीज़ हेडर, हेडर में हमारे पास नैव, नैव में यू एल, यू एल में एल आई और ए का एलिमेंट, इंडेक्स बल्कि नहीं है यहाँ पर, हम इसको करते हैं, लेट्स सपोज हम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल कर दिया हमने, और यहाँ पर हमने लिख दिया टेबल्स, और यू एल एल आई इसको हम कर देंगे फॉर्म्स डॉट एच टी एम एल, फॉर्म्स पे नेविगेट करने के लिए। बाई डिफ़ॉल्ट हम फॉर्म्स में ही होंगे, अगर हमने टेबल पे नेविगेट करना है तो सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो टेबल्स पे नेविगेट हो जाएंगे। हेडर एलिमेंट, हेडर के बाद हम ले लेते हैं मेन एलिमेंट जिसमें हमारा मेन कंटेंट होगा सारा, फुटर ले लेते हैं, तो फुटर हम यहाँ से ही कॉपी कर लेते हैं बजाय कि हम दोबारा टाइप करें, ओके जी, ये हमारा फुटर हो गया, ये हमारा हेडर हो गया और ये हमारा मेन एलिमेंट एच वर्म्स, एच वन में फॉर्म्स। वेबसाइट पे हमने फॉर्म्स पे नेविगेट होना है तो हम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में आते हैं अपने, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक लिस्ट आइटम और लेते हैं यहाँ पर फॉर्म्स डॉट एच टी एम एल, और यहाँ पे भी हम लिख देते हैं फॉर्म्स। अपनी वेबसाइट पे आते हैं, फॉर्म्स पे जाने के लिए फॉर्म्स पे क्लिक करेंगे हम फॉर्म्स में आ गए, ओके जी। अब हम फॉर्म्स पे जब गए तो यूज़र से डाटा लेना है तो हम क्या करेंगे, एस टू प्लीज साइन अप टू कंटिन्यू, लेट्स सपोज हम एक साइन अप फॉर्म बनाते हैं, तो साइन अप फॉर्म में नॉर्मली टू फील्ड्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, एनी वन, ईमेल और क्या होती है, जी को ये बोलिएगा, साइन अप फॉर्म में टू फील्ड्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, हम यूजर से डाटा लेना चाहते हैं, सर कॉन्टैक्ट, पासवर्ड सर, ईमेल और पासवर्ड होता है ना साइन अप के लिए। लेट्स सपोज आप फेसबुक पे भी जाते हैं, मैं यहाँ पर आता हूँ facebook.com, तो facebook.com पे लिए, यहाँ पे देखें अगर हम क्रिएट न्यू अकाउंट करते हैं तो क्रिएट न्यू अकाउंट पे ये हमसे कौन कौन सी फील्ड के बारे में पूछ रहा है, तो ये काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही ले लेता है, फर्स्ट नेम, सरनेम, ईमेल एड्रेस, न्यू पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वगैरह भी हमसे पूछ रहा है। तो हम क्या करते हैं, फ़िलहाल अभी सिर्फ और सिर्फ हम यूज़र से उसका ईमेल और पासवर्ड लेते हैं, जब वो ईमेल और पासवर्ड देखकर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो उसके बाद हम मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो हम इस तरह का भी सेटअप बना सकते हैं, स्ट्रक्चर हमारे पे डिपेंड करेगा, हमने जिस तरह का भी डिफाइन करना है तो जो भी लॉजिक होगी वो सब हम कर सकते हैं। तो सिंपल हम अपनी वेबसाइट पे प्लीज़ साइन अप टू कंटिन्यू, अब यूज़र से ईमेल लेने के लिए, यूज़र से ईमेल लेने के लिए हम क्या करते हैं, इनपुट एलिमेंट है इनपुट, इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखेंगे तो सिंपल क्या होगा, आपके पास ये टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा जिसमें आप टेक्स्ट लिखते हैं। अगर आपको ईमेल चाहिए, अगर आप यूज़र से ईमेल लेना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इनपुट टाइप टाइप में ईमेल हम लिखेंगे, अब यूज़र इसमें ईमेल पुट करेगा, और हम पासवर्ड चाहते हैं, अभी देखें लेट सपोज मैं abc@gmail.com, सेम यही चीज़ आप टेक्स्ट में भी कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट, ये टेक्स्ट है और ये ईमेल का है, इसको हम अगर ब्रेक लाइन में ले आए तो ये हमारे पास नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा।
abc@gmail.com, abc@gmail.com सेम चीज़ है। इनपुट टाइप टेक्स्ट में भी आप वही लिख रहे हैं, इनपुट टाइप ईमेल में भी वही लिख रहे हैं। लेकिन होता क्या है, अक्सर आपने देखा भी होगा जब आप कोई वेबसाइट मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं, आप जैसे ही ईमेल की फील्ड में आते हैं तो कीबोर्ड चेंज हो जाता है। उसमें क्या होता है, ऐट द रेट साइन आ जाता है, डॉट कॉम लिखा हुआ आ जाता है कीबोर्ड में। जैसे आप टेक्स्ट में आते हैं तो टेक्स्ट पे वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। आप किसी फील्ड में नंबर लिखना चाहते हैं तो वो आपको कीबोर्ड जो है चेंज करके दे देता है। पासवर्ड में आते हैं तो पासवर्ड में क्या होता है, लेट सपोज आप जो भी पासवर्ड लिख रहे हैं वो आपको शो भी नहीं होता है। अगर हम यहाँ पर आएँ इसमें तो ये देखें, हम जो भी पासवर्ड लिख रहे हैं हमें शो नहीं होगा, लेकिन ईमेल एड्रेस हमें शो हो रहा है। तो वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं, इनपुट टाइप ईमेल हमने लिया, br का एलिमेंट यूज़ किया ताकि हम नेक्स्ट लाइन में आ सकें, इनपुट टाइप पासवर्ड, इनपुट टाइप ईमेल और इनपुट टाइप पासवर्ड abc@gmail.com। अब पासवर्ड लिखते हैं तो ये देखें, पासवर्ड हमने लिख लिया, यूज़र पुट भी कर रहा है लेकिन स्क्रीन पे वो पासवर्ड लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा, सेम जिस तरह फेसबुक पे हो रहा है, सेम यहाँ पे लिखते हैं तो ये इस तरह हमें शो करवाता है। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ये तो इनपुट हो गया, हमने क्या करना है, हमने एक फॉर्म बनाना है। तो फॉर्म के लिए फॉर्म, फॉर्म में आता है एक्शन, और एक्शन में क्या होता है मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। यहाँ पर हम फॉर्म बनाते हैं, लेट सपोज इनपुट टाइप ईमेल हमने ले लिया, नेक्स्ट लाइन में आते हैं इनपुट टाइप पासवर्ड हमने ले लिया, ठीक हो गया जी। ओके, यहाँ पे हमने ईमेल लिख ली और यहाँ पे हमने पासवर्ड ले लिया, तो ये हमारा फॉर्म बन गया है। लेकिन सबमिट के लिए आपने देखा होगा कोई ना कोई बटन तो होता है, तो वो बटन हम कैसे लेते हैं, यहाँ पर एक और लाइन ब्रेक करते हैं और इनपुट टाइप सबमिट, इनपुट टाइप ईमेल, इनपुट टाइप पासवर्ड और इनपुट टाइप सबमिट। पेज को रिफ्रेश किया तो अब देखें यहाँ पर इनपुट टाइप ईमेल, इनपुट टाइप पासवर्ड और ये सबमिट का बटन। आप जैसे ही सबमिट करेंगे इसमें हमने जो कुछ लिखा होगा वो सबमिट होगा। अच्छा, अब ये सबमिट कहाँ पे होगा, तो ये हम एक्शन में बताते हैं। अब ये एक्शन में जो भी होगा, लेट सपोज़ ये जो काम है ये बैकएंड डेवलपर का है, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन कर रहे हैं, उनका काम होता है डिज़ाइनिंग करना। उसके बाद एक, बल्कि मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, वेब डिज़ाइनर, ये जो काम है ये सारी चीज़ें ये वेब डिज़ाइनर का काम है। उसके बाद आ जाते हैं वेब का फ्रंट एंड डेवलपर। फ्रंट एंड डेवलपर का काम होता है इसकी फ्रंट एंड पे जो भी यानी कि फंक्शनैलिटीज़ ऐड होंगी कि जब ये सबमिट हो इसमें से कौन कौन सा डाटा किस किस तरह जाए सर्वर पे, तो वो फ्रंट एंड डेवलपर का काम है। उसके बाद आ जाता है वेब का बैक एंड डेवलपर। बैक एंड डेवलपर का काम होगा डेटाबेस वगैरह क्रिएट करना और इस ईमेल और पासवर्ड के ज़रिए यूज़र को साइन अप करवाना, उसके बाद जब लॉगिन होगा तो लॉगिन वगैरह कराना, ये सब बैक एंड डेवलपर का काम होगा। तो एक्शन में क्या होगा, अच्छा बैक एंड डेवलपर क्या करेगा, फ्रंट एंड डेवलपर को एक यूआरएल देगा कि भाई आप इस यूआरएल पे इसका ये डाटा सेंड करो ताकि मैं इसको रिसीव करके डेटाबेस में स्टोर करवा सकूं। तो हम जो कोर्स कर रहे हैं, हम तो ये फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स कर रहे हैं कि फुल स्टैक डेवलपर बनना है, तो उसमें वेब डिज़ाइनिंग भी आप खुद कर रहे होंगे, फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी खुद कर रहे होंगे, बैक एंड डेवलपर का काम भी आप खुद कर रहे होंगे, मतलब आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। वो उसके बाद आप पे खुद डिपेंड करता होगा कि आपने कौन सी फील्ड को चूज़ करना है। आप सारी फील्ड भी चूज़ कर सकते हैं कि एक ही डेवलपर सारा काम कर रहा हो,
अगर आप स्विफ्ट डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो आपको HTML, CSS और किसी भी CSS फ्रेमवर्क पे बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, आपको रिएक्ट बहुत अच्छी आनी चाहिए फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए। अगर आप बैक एंड डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, डेटाबेस वगैरह स्ट्रक्चर को, तो आप फिर हम जब वो बैक एंड की टेक्नोलॉजी सीखेंगे, नोड जेएस हो गया या गूगल फायर बेस हो गया, तो उस पर आपकी बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। तो बैक एंड डेवलपर क्या कहेगा कि भाई मुझे, लेट सपोज़ हमारी वेबसाइट है HTTPS ऑनलाइन solutionsworld.com/register. अगर ये PHP बनी है तो हम PHP इस तरह कर रहे होते हैं। ये सिंपल तब है जब हम सिंपल HTML और CSS की मदद से किसी को रजिस्टर करवा रहे हैं। जब हम पहुंचेंगे रिएक्ट पे तो तब हमें ये एक्शन की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो इसको भी स्किप करें और यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट पे आते हैं, क्लोज नेवर। तो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। लेट सपोज़ आप एक और फॉर्म बना रहे हैं, एक और फॉर्म बनाया आपने। उस फॉर्म में जिस तरह गूगल का फॉर्म होता है, या फिर गूगल गूगल डॉट कॉम, अब ये सर्च है इसमें, ठीक हो गया। सिंपल एक सर्च बार, लेट सपोज हम लिखते हैं HTML, HTML दिखेगा यहाँ पर। अब इस सर्च में HTML लिखा हुआ आ गया, उस सर्च रोड पे लेकर आया और HTML। हम यहाँ पे कुछ भी लिखें वो हमें सर्च के रोड पे सर्च करवा रहा है। बहुत सारी वेबसाइट ऐसी भी होती हैं, उसमें क्या होता है, आप जो कुछ सर्च कर रहे हैं, बल्कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ। लेट सपोज इनपुट, इनपुट की टाइप है सर्च, इनपुट टाइप सर्च। यहाँ पे हम जो भी सर्च करेंगे, 123 123 हमने सर्च किया, इसमें एक ऑप्शन आता है हमारे पास मेथड, बाय डिफ़ॉल्ट होता है गेट। हम यहाँ पे एक बटन ले लेते हैं, जिसको बटन पे क्लिक करने पे ये वाला फॉर्म सबमिट हो। व्हाट इज HTML? अच्छा, ये इनपुट टाइप टेक्स्ट और इनपुट टाइप सर्च सेम है, बस फर्क किया है इसमें कि इसमें आपके पास सर्च में एक एक क्रॉस का ऑप्शन आ जाता है, बटन आता है। हम जैसे इस पे क्लिक करते हैं वो इसको रिमूव कर देता है। इसको दोबारा टाइप करते हैं, व्हाट इज HTML, सबमिट। सबमिट कहाँ पे हो रहा है कुछ भी नहीं पता है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्शन। उस एक्शन में अगर हम वो वाली वेबसाइट ही लिखें, HTTPS ऑनलाइन सॉल्यूशंस वर्ल्ड डॉट कॉम स्लैश सर्च, सेव किया, सबमिट। तो अब ये देखें, ये हमारे, हमें उसके पास ले आया है जो हमने URL उसको दिया था सर्च का। अब क्योंकि ये कोई वेबसाइट बनी नहीं है, चलिए HTTPS सर्च का रूट नहीं बना होगा, सबमिट। तो ये देखें, कैन नॉट गेट सबमिट किया, तो वो हमें ये बता रहा है कि ऑनलाइन सॉल्यूशन वर्ल्ड डॉट कॉम सर्च में से कुछ भी गेट नहीं हो रहा है। इसमें दो तरह के मेथड होते हैं, दो तरह के मेथड होते हैं, एक होता है गेट और एक होता है पोस्ट। अगर तो आप कोई ऐसा डाटा सर्वर पे सेंड कर रहे हैं, लेट सपोज जिस तरह ये गूगल का डाटा है, हम कुछ भी लिख रहे हैं, व्हाट इज HTML, ये डाटा है पब्लिक, ठीक हो गया, पब्लिकली ये अवेलेबल होता है। और इसको हम जब भी सेंड करते हैं तो अक्सर ये URL बार में, ये देखें, ये हमें URL बार में व्हाट इज HTML ये हमें लिखा हुआ शो होता है। हम यहाँ पे भी अगर कुछ करते हैं, व्हाट इज HTML, सबमिट। तो अपनी वेबसाइट पे
अच्छा जी, डेट इज HTML है। मैं जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ ये है कि गेट और पोस्ट में फ़र्क क्या है। कि आम जो डेटा गेट में क्या होता है कि हम जो भी डेटा इस तरह लिखते हैं वो हमें यूआरएल बार में लिखा हुआ नज़र आ जाता है। व्हाट इज़ HTML, ये देखें अब ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद जो भी क्यूरी लग रही है डेवलपमेंट का काम है। तो ये था पब्लिक डाटा, ये आप सर्च कर सकते हैं। सेंसिटिव डाटा जिस तरह हमारा हो गया यूज़र नेम पासवर्ड, ईमेल पासवर्ड, फ़ोन नंबर पासवर्ड वगैरह, मतलब लॉगिन सिस्टम या फिर पेमेंट सिस्टम वगैरह, तो इसका जो डाटा होता है वो सेंसिटिव डाटा होता है। वो हम इस तरह यूआरएल बार में शो नहीं करवा सकते हैं। तो फिर हम उसको मेथड यहाँ पर पोस्ट लिख रहे होते हैं। तो यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड में मेथड कौन सा आएगा, कोई बताएगा? पोस्ट का सर जी यहाँ पर पोस्ट का आएगा, डाटा है। नहीं यहाँ पर पोस्ट आएगा ना, क्योंकि हम ईमेल और पासवर्ड दे रहे हैं। तो ईमेल पासवर्ड हमारा सेंसिटिव डाटा है, तो हम यहाँ पे पोस्ट लिखेंगे। अगर आप सिंपल सर्च कर रहे हैं जो यूआरएल बार में आपको शो भी होगा बाद में, तो वो फिर हम गेट यहाँ पे लिखते हैं, ताकि ये पब्लिक डाटा है, यूज़र कोई सेंसिटिव डाटा नहीं है, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं ताकि वो यूआरएल बार में शो। एक्चुअल में जब हम डेवलपमेंट कर रहे होंगे तो हम यूआरएल बार से बहुत सारी चीज़ों को गेट करके फंक्शंस बना के उसकी क्यूरीज वगैरह लगा के हम उस पर वर्क कर रहे होते हैं। तो इस वजह से ये डाटा हम लिखते हैं इस तरह। तो जब हम उस लेवल पे पहुंचेंगे आप लोगों को इजीली समझ भी आ जाएगी इंशाल्लाह। तो इनपुट टाइप ईमेल, इनपुट टाइप पासवर्ड, इनपुट टाइप सर्च और इनपुट टाइप सबमिट हो गया। अच्छा बाय डिफ़ॉल्ट देखें सबमिट, हम इनपुट टाइप सबमिट जब भी कर रहे हैं तो ये सबमिट ही लिखा हुआ आ रहा है। हम चाहते हैं कि ब्रेक लाइन करने से एक और ब्रेक लाइन आ जाएगी। इनपुट टाइप सबमिट, इसका हम जो टेक्स्ट है सबमिट का वो चेंज करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इनपुट टाइप सबमिट। अच्छा ये टाइप जो है और ये सबमिट है, बताएगा क्या चीज़ है ये इस एलिमेंट की? एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट का नेम और ये एट्रीब्यूट की वैल्यू। तो हम एक और एट्रीब्यूट ऐड करते हैं वैल्यू। अब इस वैल्यू में हम जो भी लिखेंगे, लेट्स सपोज साइन अप, हमने साइन अप लिखा तो यहाँ पे देखें इसका टेक्स्ट जो है चेंज हो गया। इसका सबमिट था, हम इसको सर्च का नाम देते हैं, तो वैल्यू में हम क्या करेंगे, सर्च हमने लिखा और यहाँ पे देखें टाइप किया हमने, जो भी हम करेंगे सर्च पे तो फिर इस तरह सर्च आ जाएगा लिखा हुआ। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। उसके बाद फॉर्म इनपुट। अच्छा अभी देखें यहाँ पे ये ईमेल है, कुछ भी पता नहीं लग रहा है, तो हम यहाँ पे लेबल की मदद से, लेबल प्लीज एंटर योर ईमेल, और यहाँ पर लेबल प्लीज एंटर योर पासवर्ड, हमने ये लिखा। तो अब ये देखें प्लीज़ एंटर योर ईमेल, प्लीज़ एंटर योर पासवर्ड, तो ये इस तरह लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। और ये जो लिखा हुआ है प्लीज जी एंटर योर ईमेल और पासवर्ड, जी सही है, ट्रांसपेरेंट करके नहीं लिखा जा सकता, ट्रांसपेरेंट से मुराद मतलब जैसे फेसबुक पे लिखा हुआ है। ये फेसबुक पे हम देखते हैं, ये इसकी बात कर रहे हैं। ओके जी, ये जो है ये वैल्यू में नहीं लिखा गया है, मैं आपको इसका भी बताता हूँ किस तरह लिखा गया। फॉर एग्जांपल लेबल हमने लिख दिया, हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा है। हम क्या कहते हैं कि लेबल जो है ये किसके लिए है, ये जो लेबल है ये किसके लिए है? एनीवन, ईमेल के लिए सर। ये ईमेल के लिए है, ठीक हो गया। और ये जो लेबल है ये है पासवर्ड के लिए। ये हमें तो नज़र आ रहा है, हम कोड कर रहे हैं, इस
मशीन कैसे पता लगेगा कि ये जो लेबल है ये इसके लिए है और ये लेबल इसके लिए है। तो यहाँ पे देखें लेबल में आ रहा है फोर एट्रीब्यूट। इस फोर में हम अगर हमने इनपुट की हमने इसकी यूनिक एक चीज़ लेनी है, लेट सपोज हम इसको किसी भी तरीके से यूनिक बनाना चाहें तो हम क्या करते हैं, आईडी देंगे इसको। हम इसको आईडी देंगे। हमने इसको आईडी दे दी कि ये ईमेल है, हम इसको ईमेल कह देते हैं। लेट सपोज यूज़र ईमेल का भी नाम दे सकते हैं हम, ठीक हो गया। हमने आईडी दी यूज़र ईमेल। अब ये लेबल जो है इस एलिमेंट का है, तो हम क्या करेंगे, हमने जो भी आईडी इसमें लिखी है हमने कॉपी किया और इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पर, कि ये लेबल जो है किसके लिए है, यूज़र ईमेल के लिए है। यूज़र ईमेल क्या है, ये यूज़र ईमेल है। अब सेम इस तरह ही यहाँ पर इसको एक आईडी देंगे यूज़र पासवर्ड, और इसको ही हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पर आगे तो ये यूज़र पासवर्ड। अच्छा अब देखें, अब हम इस लेबल पे भी अगर क्लिक करें, लेबल पे क्लिक करें तो ये देखें ये फोकस हो जाता है और इस पे हम टाइप कर सकते हैं। अगर हम लेबल यूज़ ना करते, लेबल यूज़ ना करते, फॉर एग्ज़ाम्पल ये फॉर को हम रिमूव कर देते हैं, हम इस फॉर को भी रिमूव कर देते हैं, हम अपनी वेबसाइट पे हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो देखें कुछ भी नहीं हो रहा है। अब अगर मैं ये लेबल जो है इसको कह दूँ फॉर पासवर्ड, और ये जो लेबल है इसको मैं कह दूँ फॉर ईमेल, तो क्या होगा, कोई बताएगा, इस पे मैं जब क्लिक करूँगा तो क्या होगा। वो नीचे वाले पे चला जाएगा, सब वो वो ईमेल पे चला जाएगा। नहीं, ये ईमेल पे नहीं जाएगा क्योंकि हमने इसका लेबल चेंज किया है ना। नीचे वाले पे ये देखें लेबल, हमने इसको कह दिया यूज़र पासवर्ड, फॉर यूज़र पासवर्ड। अब यूज़र पासवर्ड क्या है, ये वाला है, ये वाला यूज़र पासवर्ड है। अब हम जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो देखें ये वाला फोकस हो रहा है, हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये ईमेल वाला फोकस होगा, इस पे क्लिक किया तो ये देखें ईमेल वाला फोकस हो रहा है। तो हम जिस लेबल पे जिसकी आईडी देंगे वो वर्क करने लग जाएगा। तो हम इसको अंडू करते हैं ताकि सेम वर्क सही से वर्क करें। ईमेल पे क्लिक किया ईमेल पे, पासवर्ड पे क्लिक किया पासवर्ड पे। अच्छा आप कह रहे हैं कि उसके अंदर जो लिखा हुआ है, ये इस बॉक्स के अंदर जो लिखा हुआ है ये कैसे होगा। सिंपल इनपुट टाइप ईमेल, इसको हम एक और दे देते हैं प्लेस होल्डर का एट्रीब्यूट। प्लेस होल्डर का एट्रीब्यूट इसमें क्या लिखा हुआ है, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर। हम सिंपल क्योंकि हम ईमेल कर रहे हैं, ईमेल एड्रेस लिख देंगे, उस पे पासवर्ड है तो यहाँ पे प्लेस होल्डर में पासवर्ड, ईमेल एड्रेस लिखा पासवर्ड लिखा। तो अब देखें यहाँ पर ईमेल एड्रेस पासवर्ड, इसे कहते हैं प्लेस होल्डर। ये प्लेस होल्डर तब तक है जब तक इसमें कोई एक भी करेक्टर या लेटर नहीं लिखा हुआ है। जैसे हम इस पे कोई एक भी लिखते हैं तो क्या होगा, वो प्लेस होल्डर रिमूव हो जाएगा जब तक उसमें वैल्यू है। हम इसमें जितना मर्जी लिखते हैं वो गायब हो जाएगा, इसको रिमूव करते हैं तो क्या होगा, वो प्लेस होल्डर हमें शो हो जाएगा। अब अगर हम ये एट्रीब्यूट यूज़ ना भी करें, और सॉरी लेबल यूज़ ना भी करें, तो तब भी हमें पता लग रहा होगा कि इसमें ईमेल एड्रेस है और इसमें पासवर्ड है, यहाँ पे लॉगिन लिखा हुआ है, लेट सपोज क्रिएट न्यू अकाउंट, तो हम इसको साइन अप की जगह क्रिएट न्यू अकाउंट भी लिख सकते हैं। ये देखें इस तरह भी हमें वर्क करेगा। ईमेल एड्रेस हम लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे, क्रिएट न्यू अकाउंट करेंगे तो वो क्रिएट न्यू अकाउंट हो जाएगा। अगर हम इसको ब्लैंक भी करते हैं क्रिएट न्यू अकाउंट, तो वो देखें इसने सबमिट कर दिया है, हालांकि इसमें वैल्यू कोई भी नहीं है। हम इसमें क्या करते हैं, रिक्वायर्ड एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, क्रिएट न्यू अकाउंट करते हैं। तो अब देखें प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड का आ रहा है, हम इसको सिंपल लिख देते हैं क्रिएट न्यू अकाउंट करते हैं। तो अब देखें प्लीज़ इंक्लूड एंड ऐड द रेट इन द ईमेल एड्रेस,
ASD इज मिसिंग एन एट द रेट। अब ये ईमेल है इस वजह से हमें ये बता रहा है कि इसमें ऐट द रेट भी आएगा। हमने ऐट द रेट किया, क्रिएट न्यू अकाउंट। अब ऐट द रेट तो है, डॉट नहीं है। प्लीज़ एंटर अ पार्ट फॉलोइंग। तो जब हम gmail.com कंप्लीट करेंगे, क्रिएट न्यू अकाउंट किया, तो ये देखिए इसने तब भी वर्क कर दिया। अगर हम रिक्वायर्ड इसको लगाते हैं asd@gmail.com, तो अब देखें प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। अब हम इसमें एक भी लिखेंगे तो इसने तब भी वर्क कर जाना है, क्योंकि हमने इसमें मज़ीद कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है कि मिनिमम कितना और मैक्सिमम कितना हो, तो हम वो भी लगा सकते हैं बाद में। जी क्लियर है यहाँ तक? किसी का कोई सवाल हो? बटन को हम कलर दे सकते हैं। किसको? बटन ये क्रिएट नहीं होगा। हाँ जी हम सब कुछ कर सकते हैं। अब ये देखें ना, ये जो है अब इसमें मैं आता हूँ HTML का क्या क्या कंटेंट है। HTML का कंटेंट है ये, फेसबुक जो है ये लोगो है इसका, ठीक हो गया। ये इमेज लगी हुई है जिस तरह हमने इमेज लगाने का देखा था, ये इमेज है, ये इसका टेक्स्ट है, ये HTML है। HTML की मदद से ये ईमेल इनपुट टाइप ईमेल है, इनपुट टाइप पासवर्ड है, बटन है, ये क्या है? कोई कौन बताएगा ये क्या है? ये एक लिंक है और ये मज़ीद एक दोबारा बटन है। क्रिएट अ पेज, ये भी एक लिंक है फॉर अ सेलेब्रिटी ब्रांड और बिजनेस। तो सिंपल पेज क्रिएट करने के लिए हम अब डायरेक्ट यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। उसके नीचे ये जितना कंटेंट है ये सारा का सारा फुटर में लिखा गया है, और इसमें ज़्यादातर ये जितने भी हैं फुटर में लिंक्स होते हैं, तो ये सारे लिंक्स लगे हुए हैं। तो ये सारा HTML है। अब इसकी स्टाइलिंग जो है वो CSS की मदद से हुई हुई है। अगर हम इसमें से स्टाइलिंग रिमूव कर दें, इसने क्या होना है, फेसबुक यहाँ पर आ जाएगा, उसके नीचे ये लिखा हुआ आ जाएगा, उसके नीचे ये इनपुट टाइप फील्ड, इनपुट टाइप पासवर्ड, बटन सिंपल सा, लिंक आ जाएगा, और मतलब जो भी HTML का लिखा होगा सिर्फ और सिर्फ वो शो हो जाएगा। बाकी जितना भी है स्टाइलिंग की मदद से स्टाइल हुआ है वो सब रिमूव हो जाएगा। तो अभी हम सिर्फ HTML में है, तो HTML की मदद से हम ये कर रहे हैं। उसके बाद CSS की मदद से जो स्टाइलिंग करनी होती है वो हम CSS से करेंगे इंशाल्लाह। ओके जी क्लियर है यहाँ तक? ओके जी हम इसको अब कमेंट करते हैं ताकि इसको हम हाइड कर सकें, और यहाँ पे एक न्यू फॉर्म बनाते हैं, एक्शन को ख़त्म करते हैं, और इनपुट टाइप टेक्स्ट। अच्छा एक और चीज़ इसी फॉर्म में, इसी फॉर्म में अब जब भी हम सबमिट कर रहे होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने डाटा सबमिट किया, तो डाटा सबमिट के लिए उस सर्वर को कैसे पता लगेगा कि ईमेल कौन सा और पासवर्ड कौन सा है? लेट सपोज़ हम यहाँ पर इनपुट टाइप टेक्स्ट और इनपुट टाइप टेक्स्ट हम सर्वर में डाटा सेंड कर रहे हैं, और डाटा सेंड हो रहा है, लेकिन हमें तो पता लग रहा है हम किस फील्ड से कौन सा डाटा सेंड कर रहे हैं वक्ती तौर पर। लेट सपोज़ हम टेक्स्ट वन में जो भी सेंड कर रहे हैं वो हमें पता है, टेक्स्ट टू में हमें पता कौन सा है, लेकिन उस मशीन को कैसे पता लगेगा कि इस फील्ड से ये वाला डाटा आना है? तो वो हम क्या करते हैं, वो हम टेक्स्ट में बताते हैं। लेट सपोज पहला टेक्स्ट बॉक्स है, प्लेस होल्डर में हम लिख देते हैं रिव्यूज़, सेकंड प्लेस होल्डर में रख देते हैं मार्क्स। हमें तो पता है, हम अपनी वेबसाइट पे आते हैं, इसमें से रिव्यूज़ जाएगा, इसमें से मार्क्स जाएगा, लेकिन मशीन को कैसे पता लगेगा? क्योंकि ये भी टाइप टेक्स्ट है, ये भी टाइप टेक्स्ट है, प्लेस होल्डर हम कुछ भी रख सकते हैं। इस नेम में सर ये जो वर्ड आप बार बार एक यूज़ करें, मशीन को कैसे पता चलेगा? जी मशीन को ये हो गया, मशीन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा प्लीज़। मशीन का मतलब सर्वर। जी मतलब सर्वर को कैसे पता लगेगा कि कौन सा डाटा हम सेंड कर रहे हैं? तो उस नेम में लेट सपोज रिव्यूज़ है, हम क्या करेंगे यहाँ पर रिव्यूज़ लिखेंगे, और यहाँ पे मार्क्स हैं
तो यहाँ पे हम मार्क्स लिखेंगे, हम आईडी ना भी यूज़ करें तो तब भी ये वर्क करेगा, हम प्लेस होल्डर ना भी यूज़ करें तब भी ये काम करेगा, लेकिन हमें इनपुट की टाइप बतानी पड़ेगी लाजमी कि हम कौन सा डाटा लेना चाह रहे हैं, और नेम में, क्योंकि हमने जो फॉर्म से डाटा जो हम ले रहे हैं वो हमने कहीं ना कहीं सेंड तो करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी सर्वर में सेंड करना है जो उसको प्रोसेस करेगा, तो वो इस नेम की मदद से डाटा को गेट करेगा। उसे पता होगा कि इस रिव्यूज़ का जो डाटा है वो मैंने रिव्यूज़ के लिए यूज़ करना है, इस मार्क्स का जो डाटा है वो मुझे मार्क्स के लिए चाहिए। तो मेन जो दो एट्रीब्यूट्स हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट और उसका नेम कि डाटा किस में से जाएगा, तो ये दो लाजमी है। बाकी जितना भी डाटा है वो हम अपने यहाँ पे लेट्स सपोज यूज़र को दिखाने के लिए शो करवा रहे हैं, इसमें और बहुत सारी स्टाइलिंग अगर करनी है हम आईडी दे सकते हैं, लेबल अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमें आईडी देनी पड़ेगी, तो हम फिर वो बाकी सब फ्रंट एंड के लिए कर रहे होते हैं, मतलब डिज़ाइनिंग के पर्पज़ के लिए। सर्वर के लिए ये नेम ज़रूरी है, और इनपुट की फील्ड, इनपुट फील्ड टाइप बताने के लिए टाइप एट्रीब्यूट जिसमें टेक्स्ट आता है ये लाजमी, और मतलब टेक्स्ट के लिए सिंपल हम टेक्स्ट यूज़ कर रहे होते हैं इन लाइन, ये देखें यहाँ पे हम इस तरह टेक्स्ट लिख सकते हैं। अगर हमें चाहिए मल्टी लाइंस, जिस तरह आपके कमेंट्स लिख रहे हैं, अब रिव्यूज़ जो है वो एक लाइन में तो नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं, हम टेक्स्ट एरिया, हमने टेक्स्ट एरिया बताया, उस टेक्स्ट एरिया में हम इसको रिव्यूज़ को ले आते हैं, प्लेस होल्डर में ही हम रिव्यूज़ लिख देते हैं। आईडी अगर हम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। इसको कमेंट किया तो अब देखें यहाँ पर मार्क्स रिव्यूज़, हम इसको जितना मर्ज़ी छोटा और बड़ा कर सकते हैं, डिपेंड करता है। अब ये देखें कॉलम्स कितने हैं, रोज़ कितनी है, 10 रोज़ मतलब इसकी हाइट बन रही है, और कॉलम्स 30 ये इसकी विड्थ बन रही है, हम इसको 20 कर देते हैं तो इसकी हाइट इंक्रीज़ हो जाएगी, हम इसकी विड्थ इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो हम इसकी विड्थ भी इस तरह इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखें इसको हम छोटा बड़ा इस तरह कर सकते हैं, लेकिन जब हम CSS पे पहुँचेंगे हम इसको भी डिसेबल कर सकते हैं कि हमने जितना उसका साइज़ रख दिया है उतना ही साइज़ रहे, यूज़र उसको चेंज नहीं कर सकें, तो ये हम CSS की मदद से कर सकते होंगे इंशाल्लाह। ओके जी, क्लियर है यहाँ तक? फॉर्म इनपुट लेबल, इनपुट टाइप सबमिट हमने देखा था, अगर हम सिंपल बटन लिखते हैं उस बटन के अंदर हम लेट सपोज सेंड फीडबैक, सेंड फीडबैक पे क्लिक किया तो ये सेंड फीडबैक हो जाएगा। अच्छा ये देखिएगा, ये इनलाइन एलिमेंट्स है, ये भी इनलाइन एलिमेंट है और ये भी इनलाइन एलिमेंट है, तो इस वजह से ये सेम लाइन पे आ रहा है। हम अगर इसको न्यू लाइन पे लेकर आना चाहें तो ब्रेक लाइन लगाएंगे और वो नेक्स्ट लाइन में आना शुरू कर देगा। तो इनपुट टाइप सबमिट और बटन में डिफरेंस क्या है? अब इनपुट टाइप सबमिट में क्या होता है कि सिंपल एक बटन ही आएगा, उसमें टेक्स्ट आएगा और उसकी हम स्टाइलिंग कर सकते हैं। बटन में क्या होता है कि हम इमेज भी लगा सकते हैं। लेट्स सपोज आपके पास कोई इमेज है बटन, अगर मैं आपको यहाँ पे गूगल करके दिखाऊं, इमेज बटन, इमेजेस में आए तो जिस तरह ये देखें, क्लिक हेयर, क्लिक हेयर, कोई भी बटन, लेट्स सपोज ये बटन है, हम इस तरह की डिज़ाइनिंग भी CSS की मदद से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सिंपल इमेज लगानी है, हमने क्या करना है, बल्कि मैं आपको करके दिखा भी देता हूँ, इस पर क्लिक, ओपन इमेज इन न्यू टैब, सेव इमेज एज डेस्कटॉप बटन, डेस्कटॉप में आए, इसको हम रिसाइज कर देते हैं पहले, इसका साइज़ बहुत बड़ा है, लेट्स सपोज हम इसको कर देते हैं 24 की जगह हम इसको करते हैं 48। सेव किया हमने, इसको हम अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में ले आते हैं,
अब प्रोजेक्ट फोल्डर में देखें, हम इसको इमेजेस के फोल्डर में ले आते हैं, कोड में आएंगे। अब ये सेंड फीडबैक लिखने की बजाय हम क्या करेंगे, इमेज इमेज कहाँ पे पड़ी है, इमेजेस बटन डॉट जेपीजी में, इमेजेस में बटन डॉट जेपीजी, और अपनी वेबसाइट पे आते हैं। तो ये देखें, ये अब ये बटन है जिसमें टेक्स्ट की बजाय वो इमेज लगी हुई है, लेकिन हम ये इनपुट टाइप सबमिट की मदद से नहीं कर सकते थे क्योंकि उसमें हम सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट लिख सकते हैं, तो ये थोड़ा डिफरेंस है। बाकी जब हम जावास्क्रिप्ट में पहुंचेंगे तो हम तब भी इनपुट टाइप सबमिट की बजाय बटन को ही यूज़ करेंगे बहुत सारे फंक्शन बनाने के लिए। ये सबमिट क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ सबमिट के पर्पज़ के लिए वर्क आ रहा होता है, लेकिन बटन क्लिकेबल एक बटन बनता है जिसमें हम बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ को ऐड कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसका। फॉर्म इनपुट लेबल बटन टेक्स्ट एरिया मल्टीपल, जिस तरह ड्रॉप डाउन लिस्ट बनते हैं, सेलेक्ट ऑप्शन होता है कि लेट्स सपोज मैं आपको बताता हूँ, अगर हम यहाँ पर आए सर्वे फॉर्म, एक हम इसको देखते हैं एम्प्लॉय इंटरेस्ट सर्वे फॉर्म। अगर हम सेम डिज़ाइन करना चाहें तो हम क्या करेंगे, एंटर योर नेम, नेम किस में आ जाएगा, हम बल्कि उसको बनाने की कोशिश करते हैं, फॉर्म हमने एक फॉर्म बनाया, उस फॉर्म में सबसे पहले लेबल आ जाएगा एंटर योर नेम, लेबल नेम, लेबल किसके लिए, नेम के लिए, एंटर योर नेम, और यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम में क्या आ जाएगा, नेम कि हम यूज़र का नेम ले रहे हैं, आईडी किसके लिए है, नेम के लिए है, वेबसाइट पे है। तो ये देखें, एंटर योर नेम, हेडिंग इसकी क्या है, एम्प्लॉय इंटरेस्ट सर्वे फॉर्म, हम यही लिख देते हैं यहाँ पर भी। एम्प्लॉय इंटरेस्ट सर्वे फॉर्म, ओके जी, ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पे एंटर योर डिपार्टमेंट, हमने क्या करना है, सिंपल इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, एंटर योर डिपार्टमेंट, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम अब हम यहाँ पे लिखेंगे डिपार्टमेंट, इसकी आईडी भी डिपार्टमेंट, ये लेबल किसके लिए है, डिपार्टमेंट के लिए है, तो यहाँ पे लेबल फॉर डिपार्टमेंट, वेबसाइट पे एंटर योर नेम एंटर योर डिपार्टमेंट, हम यहाँ पे ब्रेक लाइन ऐड कर देते हैं। तो अब ये साथ जुड़ गया है, हमें थोड़ी स्पेस चाहिए, हम एक और ब्रेक लाइन को ऐड कर सकते हैं, ये देखें। उसके बाद टेल अस लिटिल अबाउट योर सेल्फ, तो अब ये जो बॉक्स है ये भी टेक्स्ट बॉक्स ही है, तो हम ये किस एलिमेंट के ज़रिए अचीव कर सकते हैं, एनीवन, किसकी हाइट और विड्थ बढ़ा देंगे, अभी हमने एक एलिमेंट के बारे में पढ़ा था, जी कौन बताएगा कि हमने इसके लिए कौन सा एलिमेंट यूज करना है, टेल अस, जी रिव्यूज कोई एलिमेंट तो नहीं है, रिव्यूज तो हमने नेम रखा था ना उसका, जी हम यहाँ पे यूज करेंगे टेक्स्ट एरिया, लेबल, लेबल में टेक्स्ट एरिया, नेम इसका हो जाएगा लेट्स सपोज टेल अस अबाउट योर सेल्फ, हम इसमें लिख देते हैं अबाउट योर सेल्फ। अब अबाउट योर सेल्फ का
इसका ही डाटा यहाँ से जाए और इसका डाटा भी यहाँ से जाए। हम लेट्स सपोज कोई प्लेस होल्डर भी ऐड करना चाहते हैं, प्लेस होल्डर ना भी ऐड करें तो ठीक है। कॉलम्स 30 और रोज 10, हम इसको कर देते हैं 5। वेबसाइट पे आते हैं, ओके ये थोड़ा सा ज़्यादा है, हम इसको 3 करें। तो ये देखें कॉलम्स को भी थोड़ा सा कम करते हैं, 20 कॉलम्स। तो ये हमारे पास इस तरह शो होगा। उसके बाद मज़ीद बी आर के एलिमेंट्स, और यहाँ पर अब क्या है, ओके जी, डू यू एक्सरसाइज एट होम, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डू यू एक्सरसाइज क्या लिखा हुआ था, डू यू एक्सरसाइज एट होम, येस और नो, डू यू एक्सरसाइज एट होम, ओके जी। ये लेबल आ गया। अब इस लेबल के आगे हमारे पास येस और नो, येस और नो में क्या होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को ही चूज़ कर सकते हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इनपुट, इनपुट की टाइप होगी रेडियो, इनपुट टाइप रेडियो। इस रेडियो में इसकी वैल्यू है येस, इसकी वैल्यू है नो। ओके जी, सबसे पहले सर्वर में जो डाटा जाएगा वो किस नेम से जाएगा, इसको हम लिख देते हैं एक्सरसाइज। सर्वर में डाटा जाएगा एक्सरसाइज के नाम से, इनपुट टाइप रेडियो, नेम रेडियो। इसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू इसकी है पहले की येस, पहले की वैल्यू है येस, और इस पे हम मज़ीद एक और लेबल लगा सकते हैं, लेबल येस। लेबल ये किसके लिए है, फॉर आईडी हम इसको दे देते हैं एक्सरसाइज येस, एक्सरसाइज येस। सेम हम एक और नो के लिए बनाते हैं, इनपुट टाइप रेडियो, नेम एक्सरसाइज, वैल्यू इसकी नो, आईडी इसकी यूनिक होनी चाहिए एक्सरसाइज नो, और ये लेबल किसके लिए है, इस एलिमेंट के लिए है, और यहाँ पे हमने लिखना है नो। सेव पे आते हैं तो ये देखें, डू यू एक्सरसाइज एट होम, येस या फिर नो। अब इसमें एक चीज़ देखिएगा, इसमें ये नेम जो है, ये नेम जो है, यहाँ पे यूज़र कोई टेक्स्ट ऐड तो नहीं कर रहा है, ठीक हो गया। हमने क्या करना है, सर्वर पे डाटा क्या जाना चाहिए, ये सिलेक्ट हो तो वैल्यू उसके पास यस जाए, अगर ये सिलेक्ट हो तो उसकी वैल्यू जानी चाहिए नो। इन सब का नेम सेम होना चाहिए। आप किसी एक कैटेगरी के रेडियो बटन्स बना रहे हैं तो उन सब का नेम सेम होना चाहिए। अगर नेम सेम नहीं होगा तो वो एक, वो फिर दूसरों को भी सिलेक्ट कर सकेगा, येस नो। तो देखें अब मैंने क्या किया, इस नेम पे जाके एक्सरसाइज और इसका नेम जो एक्सरसाइज वन कर दिया। अब देखें वो दोनों सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन रेडियो बटन में क्या होता है कि एक ही चीज़ सिलेक्ट होती है, येस होगा नो होगा, या फिर जिस तरह जेंडर की अगर बात की जाए, हम फेसबुक पे आते हैं क्रिएट न्यू अकाउंट, इसमें देखें जेंडर फीमेल मेल या कस्टम, जब कस्टम सेलेक्ट कर रहा है तो तब ये जाके ऑप्शंस वो हमें शो होता है। तो ये सब जावास्क्रिप्ट की मदद से है, हम इसको बाद में देखेंगे। फीमेल या मेल, तो अगर इसका नेम हम चेंज कर दें तो वो एक से ज़्यादा सेलेक्ट होगा, अगर हम नेम सेम रखें तो इसका मतलब एक ही एलिमेंट सेलेक्ट होगा, या येस होगा या फिर नो होगा। इसे कहते हैं रेडियो बटन्स, येस या फिर नो जी। ये क्लियर है, रेडियो बटन्स, इनपुट टाइप रेडियो, ओके नहीं सर, एक बार रिपीट कर दीजिए। जी, इसका तो क्लियर है ना कि लेबल फॉर एक्सरसाइज, ठीक हो गया। ये लेबल किसके लिए है, डू यू एक्सरसाइज एट होम,
तो वैसे अगर हम इसको ना भी लिखें, फॉर एक्सरसाइज इसको हम यहाँ पर अब ना भी लिखें तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है वैसे, क्योंकि हम कौन सा कोई इनपुट टाइप टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं या फिर हमने कोई इनपुट ऐड करना है, तो इनपुट टाइप रेडियो। अच्छा, अब ये येस और नो, मैं इस लेवल का आपको पहले थोड़ा सा बता देता हूँ। हम इस येस पे क्लिक करें, हम इस नो पे क्लिक करें, वो सिलेक्ट हो रहा है, ठीक हो गया। जब हम यही वेबसाइट, फॉर एग्जांपल आपने जिस पे बनाया है वो वेबसाइट जब आपके किसी मोबाइल पे यूज़ होगी तो उसमें स्क्रीन साइज़ मतलब स्क्रीन साइज़ छोटी है, तो होता क्या, यूज़र जब सेलेक्ट कर रहा हो तो वो सही से सेलेक्ट नहीं होता है, तो इस वजह से भी हम लेबल यूज़ करते हैं। अभी देखें, अगर मैं ये इस लेबल को उसका मैंने जो नेम है वो चेंज कर दिया, अब मैं येस पे क्लिक भी कर रहा हूँ तो ये वर्क नहीं हो रहा है, मैं जब तक इस पे क्लिक ना करूँ तब तक ये सिलेक्ट नहीं होगा, तो इस वजह से भी हम लेबल को यूज़ करते हैं ताकि उस लेबल पे भी अगर हम क्लिक करें तो तब भी वो वर्क करें, ठीक हो गया। एक ये हो गया। अब मैं आता हूँ इनपुट टाइप रेडियो पे। इनपुट टाइप रेडियो, इनपुट टाइप रेडियो से क्या होता है, ये हमारे पास रेडियो बटन शो होते हैं। मैं इन वैल्यू को रिमूव करूं लेबल के बगैर, इस लेबल के बगैर आपको ये दो रेडियो बटन्स शो हो जाएंगे। मैं मज़ीद ऐड करता हूँ, यस नो यस नो, ठीक हो गया। लेकिन हमें पता नहीं लग रहा है कि हमने किसको चूज़ करना है और उसकी वैल्यू क्या है, तो सिंपल यस नो। इनपुट टाइप रेडियो से वो रेडियो बटन आ गए। नेम हमने रखा एक्सरसाइज। अब ये नेम एक्सरसाइज जो है, जब भी सर्वर पे डाटा हम सेंड करेंगे तो क्या होगा, इस एक्सरसाइज की वैल्यू जो है वहाँ पे एक्सरसाइज से एक्सरसाइज हमें मिल रहा होगा, लेकिन एक्सरसाइज के साथ में कोई वैल्यू भी तो मिल रही होगी कि यूज़र ने सेलेक्ट क्या किया है, वो वैल्यू हमें ये बताएगी। हमने इस वैल्यू में जो भी रखा होगा वो हमें वहाँ पे नज़र आएगा। लेट्स सपोज हम कहते हैं यूज़र ने यस सेलेक्ट किया है। अब सर्वर में डाटा क्या जाएगा, इस एक्सरसाइज से यूज़र ने यस सेलेक्ट किया है ये वैल्यू उसके पास जा रही होगी। अगर वो सिंपल नो को सेलेक्ट करेगा तो उसके पास वैल्यू तो जाएगी नो जाएगी। हमारा रेडियो बटन्स पे क्या होगा, अगर आप किसी एक कैटेगरी के रेडियो बटन्स बना रहे, इस तरह ये डू यू एक्सरसाइज एट होम, अगर मैं कह देता हूँ, मैं इसको ही कॉपी करता हूँ नीचे और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जेंडर। जेंडर में यहाँ पे भी जेंडर और यहाँ पे भी जेंडर, क्योंकि मैं सेम कैटेगरी अब लिख रहा हूँ, तो जेंडर के लिए जेंडर वैल्यू मेल और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी फीमेल। आईडी एक्सरसाइज की जगह अब हम करेंगे आईडी मेल और आईडी फीमेल, यहाँ पे मेल यहाँ पर फीमेल। अब लेबल जो है, ये लेबल जो है इस मेल के लिए, यहाँ पर मेल आएगा और यहाँ पर फीमेल आएगा। मैं किस नाम किया, जी क्लियर है। ओके जी, इनपुट जी बोले। रेडियो बटन चेंज करना मतलब, जी स्केयर वगैरह में बाय डिफॉल्ट मतलब स्टाइलिंग की मदद से हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब आप वेबसाइट पे देखेंगे तो आपको हर वेबसाइट में ये गोल सर्कल ही नज़र आएगा, तो ये यूज़र एक्सपीरियंस इसका इस तरह अच्छा रहता है। फॉर एग्जांपल आप इसको कोई पॉलीगॉन शक्ल दे देते हैं तो यूज़र को पता भी नहीं लगेगा उसने करना क्या है सिलेक्ट। अभी आप देखें ना, ये अगर इसकी बात करें फेसबुक की, मतलब दुनिया में कितनी ये वेबसाइट चल रही है, उन्होंने भी क्या किया है, सर्कल ही रहने दिया है, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कलर को चेंज किया है। बाय डिफ़ॉल्ट कलर हम देखें यहाँ पर तो हमारे पास
ये कलर नज़र आ रहा है, उन्होंने कलर चेंज किया हुआ है लेकिन उसकी शेप जो है वही रहने दी है ताकि यूज़र को भी पता लगे, यूज़र का एक्सपीरियंस अच्छा रहे। वैसे हम चेंज कर सकते हैं, ये हमारे पे है। ओके जी, इनपुट टाइप रेडियो, हाउ डू यू लाइक टू रीड अबाउट योर फेवरेट टॉपिक्स। तो इसके लिए हम कर सकते हैं एक पी का एलिमेंट यूज़ करेंगे, हाउ डू यू लाइक टू रीड अबाउट योर फेवरेट टॉपिक्स, ठीक हो गया। हमने ये लिखा, उसके नीचे अब ये क्या होता है, इसे कहते हैं चेक बॉक्स है। चेक बॉक्स में होता है कि एक से ज़्यादा ऑप्शंस हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल इनपुट, अभी तक हमने देख लिया इनपुट टाइप टेक्स्ट में सिंपल टेक्स्ट लिखते हैं, ईमेल में ईमेल लिखते हैं, पासवर्ड में पासवर्ड लिखते हैं, रेडियो में हमारे पास एक से ज़्यादा ऑप्शन आ रहे होते हैं जिसमें से हमने एक सेलेक्ट करना होता है। इनपुट टाइप चेक बॉक्स में क्या होता है कि हम चेक बॉक्स से जो भी हम ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह हाउ डू यू लाइक टू रीड अबाउट योर फेवरेट टॉपिक्स, इसमें जो भी हम लिखते हैं वो एक से ज़्यादा सेलेक्ट किए जा सकते हैं। लेट सपोज हॉबीज़ के बारे में हम पूछ सकते हैं या वट एवर जो भी, तो वो हम इस तरह लिख सकते हैं। उसके लिए सिंपल इनपुट टाइप चेक बॉक्स, यहाँ पे एक और हम चेक बॉक्स ले लेते हैं, हमने दो चेक बॉक्स ले लिए, देखें एक दो, ये दो चेक बॉक्स हैं, दो चेक बॉक्स आ गए। हम लेबल यूज़ करना चाहते हैं, लेबल और यहाँ पे भी लेबल। अब इस लेबल में क्या लिखा है, बुक्स ऑनलाइन रिसोर्सेज, हम यहाँ पे कर देते हैं बुक्स ऑनलाइन रिसोर्सेज, नहीं वेबसाइट पे आते हैं तो ये देखें बुक्स ऑनलाइन रिसोर्सेज। यहाँ पे फोन ऐप्स और मैगजीन, हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब इनपुट टाइप चेक बॉक्स से सर्वर में जो डाटा जाएगा, तो सर्वर को कैसे पता लगेगा कि क्या वैल्यू आ रही है और क्या उसका डाटा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब कौन सा एट्रीब्यूट जिससे सर्वर को पता लगे कि ये वाला डाटा आ रहा है। वैल्यू तो लिखेंगे, वैल्यू में तो वैल्यू सिर्फ जारी होगी लेकिन सर्वर को पता तो लगना चाहिए। जी नेम भी देंगे, नेम लेट सपोज इसको हम दे देते हैं फेवरेट टॉपिक्स, हमने इसका नेम दे दिया फेवरेट टॉपिक्स। अब उसको पता लगेगा कि फेवरेट टॉपिक्स आ रहे हैं मेरे पास, टॉपिक्स टॉपिक्स। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू में हम रखेंगे बुक्स और यहाँ पे हम वैल्यू में रखेंगे ऑनलाइन रिसोर्सेस। ओके जी ऑलराइट, ये हो गया। अब बुक्स है, इसकी हम आईडी भी देंगे, बुक्स दे दी हमने लेट सपोज, और इसकी आईडी हम देंगे ऑनलाइन रिसोर्सेस। और अब इस लेबल में ये बुक्स जो है, यहाँ पे फोर में क्या आएगी वैल्यू, एनीवन फेवरेट टॉपिक्स, नहीं इस लेबल में फोर में वैल्यू क्या आएगी कि हम जब भी इस पे क्लिक भी करें बुक्स पे तो ये वाला चेक हो जाए। एनीवन फेवरेट टॉपिक्स तो नेम है ना, ये तो सर्वर के लिए बस है कि सर्वर को पता लगेगा कि फेवरेट टॉपिक्स में से डाटा आ रहा है, वो डाटा क्या आएगा, ये वाला डाटा आएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ मैं जब भी इस बुक्स पे क्लिक करूँ ये वाला एलिमेंट सेलेक्ट हो जाए, मैं जब भी इस लेबल पे क्लिक करूँ ये वाला एलिमेंट सेलेक्ट हो जाए, तो यहाँ पर क्या आएगा,
जी कोई बताएगा? जी बिलाल सिद्दीकी साहब, आप सुन रहे हैं? सर काफ़ी सारे बच्चे जो है ना अभी सो जाते हैं, मतलब कि आपका जो है पढ़ाने का अंदाज इतना और आपकी वॉइस जो इतनी मेलोडियस है कि बच्चे सो जाते हैं मोस्टली। मतलब समझ नहीं आ रही किसी को। जी मुझे ना छोटा सा एक प्रॉब्लम आ रहा है, जी अगर आप मुझे मॉडरेटर बना देते ना मुझे ज़रा पता चलता कि कौन सो रहा है और कौन जाग रहा है, लेकिन आपने मॉडरेटर नहीं मुझे बनाया हुआ। मे बी मॉडरेटर मींस एक क्लाइंट की हैसियत से जो है ना, एक स्टूडेंट की हैसियत से ले रहा हूँ क्लास, मेरे पास ऑप्शन ही मुझे बस ये मतलब है। नहीं होता, मेरे पास शो ही मतलब कि ये 6 7 लोग हो रहे होते हैं, बाकी शो ही नहीं होते हैं। अच्छा जी, तो इसमें हम किसी को एडमिन नहीं बना सकते जी हैं, जी वो ऑप्शन ही नहीं है। सर नहीं है ऑप्शन, मैं आपको कल बताऊंगा इसको। ठीक हो गया, हम इसके बाद ही डिस्कस कर लेते हैं, जी, ये कॉल के फ़ौरन बाद ना हम कॉल पे आ जाते हैं इंशाल्लाह। जी वैस रज़ा, आप हैदर हैदर जी सर जी सुन रहे हैं बात। सुन तो रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा इस लेवल में, हम क्या लिखेंगे? ये देखें ना, ये लेबल जो है हमने किसी यूनिक एलिमेंट को स्पेसिफाई करना है, तो जब हम इसको टारगेट करेंगे हमारे पास इसमें यूनिक एलिमेंट एक क्या चीज़ है, हम किसी एलिमेंट को यूनिक आइडेंटिटी देना चाहते हैं तो हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं? टारगेट का नहीं, यूनिक एलिमेंट आईडी आईडी, हम आईडी देते हैं ना, तो अब हम इस बुक्स में लेबल फोर फोर में क्या लिखेंगे, ये बुक्स लिखेंगे, यहाँ पे बुक्स रहेगा। ऑनलाइन रिसोर्सेज में इस एलिमेंट की आईडी क्या है, इस एलिमेंट की आईडी ऑनलाइन रिसोर्सेज है, तो यहाँ पे लेबल फोर ऑनलाइन रिसोर्सेज, हम इसको जब इस तरह लिखेंगे तो अब ये देखें यहाँ पे बुक्स पे क्लिक करेंगे तो ये बुक्स चेक हो जाएगा, ऑनलाइन रिसोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन रिसोर्सेज भी चेक मार्क हो जाएगा, तो ये चेक बॉक्स होता है। हम मज़ीद एक से ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं तो सिंपल हम इसको ही यूज़ करेंगे, हमारे पास और क्या ऑप्शन थे, फ़ोन ऐप्स एंड मैगज़ीन्स, तो यहाँ पर इनपुट टाइप चेक बॉक्स, नेम फेवरेट टॉपिक सी, वैल्यू में यहाँ पे फ़ोन ऐप्स के, जब भी इसको चेक मार्क किया जाए उसमें से वैल्यू क्या जाए, फ़ोन ऐप्स जाए, इसकी आईडी भी हम फ़ोन ऐप्स ही रख देते हैं, और जब भी इस फ़ोन ऐप्स पे क्लिक को तो चेक मार्क हो ये वाला, तो उसको हम इसकी आईडी देंगे इस लेबल को, सेम एज इट इज़। अब ये मैगज़ीन्स, तो यहाँ पे वैल्यू मैगज़ीन्स, इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे मैगज़ीन्स मैगज़ीन्स, और नेम जो है यहाँ पर हम मैगज़ीन्स रख देते हैं, तो सेव करेंगे, अपनी वेबसाइट पे आते हैं, तो ये देखें सेम एज इट इज़। हम ये चार के चार भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हम अगर चाहें तो हम कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये हमारे अपने ऊपर है कि हाउ डू यू लाइक टू रीड अबाउट योर फेवरेट टॉपिक्स, आप किसी में से भी यूज़ नहीं करते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक अदर का ऑप्शन भी दे सकते हैं, हम एक अदर का ऑप्शन भी दे सकते हैं, तो अदर का ऑप्शन देने के लिए सिंपल अदर लेबल फोर, अदर यहाँ पर अदर वैल्यू अदर, तो यूज़र अगर किसी में भी इन चारों में से नहीं पढ़ता है फेवरेट टॉपिक्स को तो वो अदर पे चेक मार्क कर सकता है और वैल्यू उसकी फिर सबमिट हो जाएगी इस तरह। उसके बाद ये ड्रॉप डन मेन्यू लिस्ट आइटम्स जिसे कहते हैं, व्हाट जेनर ऑफ मूवीज़ डू यू लाइक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल वही चीज़ यहाँ पर लिखेंगे, व्हाट जेनर मूवीज डू यू लाइक, ऑफ मूवीज डू यू लाइक, ये आ गया
उसके फौरन बाद हमारे पास आ रहा है ड्रॉप डाउन, एक सिलेक्ट ऑप्शन। ये हम किस तरह अचीव करते हैं, सिंपल हमने सिलेक्ट लिखना है। अब उस सिलेक्ट में देखें नेम किससे, सर्वर को जिससे पता लगेगा कि डाटा मेरे पास क्या आ रहा है। तो यहाँ पे मैं नर ऑफ मूवीज़ मैं ये लिख सकता हूँ मूवीज़। उसके बाद आईडी को बेशक रिमूव करें और यहाँ पे सिलेक्ट में हमारे पास ऑप्शंस कौन कौन से आने चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इमेज ऑप्शंस कौन कौन से आने चाहिए वो हम ऑप्शन सिंपल ऑप्शन में ऑप्शन की वैल्यू, पहला ऑप्शन क्या यहाँ पे कॉमेडी शो हो रहा है तो हम यहाँ पे कॉमेडी लिख सकते हैं और यहाँ पे भी कॉमेडी। एक्शन लिखना चाहते हैं एक्शन और यहाँ पर एक्शन। तो इस तरह ये आपके पास, इसको हम ब्रेक लाइन कर देते हैं, ये देखें हम ड्रॉप डाउन करेंगे एक्शन को सिलेक्ट करेंगे एक्शन सिलेक्ट हो जाएगा, कॉमेडी को सिलेक्ट करेंगे कॉमेडी सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसे कहते हैं सिलेक्ट ऑप्शन या फिर ड्रॉप डाउन लिस्ट, मतलब जो भी नाम देना चाहें। और सबमिट के लिए जब ये फॉर्म कंप्लीट हो जाए, इसको सबमिट के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल इनपुट टाइप सबमिट और यहाँ पे ब्रेक ब्रेक लाइन ब्रेक की और यहाँ पे हमारे पास ये सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। अब एंटर योर नेम लिखने के बाद डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के बाद टेल अस लिटल अबाउट योर सेल्फ, एक्सरसाइज फेवरेट टॉपिक्स कौन कौन सा है, मूवीज़ कौन सी लाइक करते हैं, सबमिट करेंगे। अब ये सबमिट करने के बाद डाटा जो जाएगा वो यहाँ पर हमने एक्शन में जो भी यूआरएल दिया होगा वो वहाँ पे जाके सबमिट हो जाएगा। तो ये हमारे फॉर्म में कुछ इनपुट टाइप्स जो हमने पढ़ी हैं वो ये थी, इनपुट टाइप टेक्स्ट, टाइप टेक्स्ट, ईमेल, पासवर्ड और हमने पढ़ लिया है रेडियो, चेक बॉक्स हमने पढ़ लिया है, सिलेक्ट और हमने टेक्स्ट टेक्स्ट एरिया, सेलेक्ट के साथ हमने ऑप्शन, उसके इनपुट टाइप सबमिट बटन। तो ये सारे जो हमने हैं वो पढ़ लिए हैं। अब किसी का कोई भी इशू है तो आप लोग वो पूछ सकते हैं जिस चीज़ की समझ ना लगी हो, ताकि उसको फिर हम क्लियर कर सकें। पहला क्वेश्चन जहाँ पे जी लेबल और जहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आपने डाला है वहाँ पे आपने पी का एलिमेंट यूज किया है, किधर तो ये इसका बता दें। अब ये पी जो है ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ठीक हो गया। अब मैं पी लिखा है तो क्या होगा, इस पी लिखने से, ये पी लिखने से ये देखें, पी लिखने के बाद मैं जो भी एलिमेंट यूज़ करूँ तो उसने नेक्स्ट लाइन में आना है। अगर मैं यहाँ पे लेबल यूज़ करता तो लेबल के बाद मेरे पास के सेम लाइन में ही शो होने लग जाते हैं। जिस तरह ये देखें, ये है, ये हमने लेबल में लिखा है तो ये उसके फ़ौरन बाद शो हो रहे हैं। ये रेडियो बटन कहाँ पर है, ये रेडियो बटन यहाँ पर, ये देखें ये लेबल है। अगर मैं इसको पी में लिख देता हूँ, पी पी, तो अब क्या होगा, डू यू एक्सरसाइज एट होम, और ये नेक्स्ट लाइन में आ गया। तो इस वजह से हमने इसको लेबल में लिखा था। आपने हमारी फर्स्ट क्लास ली थी, तो ये तो हमने फर्स्ट क्लास में ही देखा था ना कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, इनलाइन एलिमेंट्स। कोई इशू नहीं जी, मोस्ट वेलकम। ओके जी, इन फॉर्म्स को लेट सपोज, ये फॉर्म, इस फॉर्म को, ये फॉर्म हमने ख़त्म किया, इसमें हम एक ले लेते हैं
फील्ड सेट के फौरन बाद लेजेंड, लेट सपोज यूज़र फॉर्म, हमने फॉर्म का यूज़र नेम लिखा, इसको हिट किया, वेबसाइट पे आए और यहाँ पे देखें। अब देखें, ये हमने इस फॉर्म को एक ग्रुप में ले आया है, यूज़र फॉर्म, इस फॉर्म का नेम होगा, लेट सपोज अगर ये साइन अप फॉर्म होता तो आप सिंपल साइन अप फॉर्म लिखते और वहाँ पर एंटर योर नेम और सॉरी एंटर योर ईमेल और एंटर योर पासवर्ड। हमने क्या किया है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले एक एलिमेंट लेंगे, फील्ड सेट है, हमने एलिमेंट ले लिया फील्ड सेट है, फील्ड सेट में लेजेंड। अब इस लेजेंड में हम जो भी लिखेंगे, लेट्स सपोज हम लिखते हैं लॉगिन फॉर्म, हमने लॉगिन फॉर्म लिखा, सेव किया, तो ये देखें लॉगिन फॉर्म एक बन गया। अब इस फॉर्म के अंदर फॉर्म क्रिएट करने के लिए हम कौन सा एलिमेंट यूज़ करते हैं, हम फॉर्म एलिमेंट यूज़ करते हैं। फॉर्म एलिमेंट हमने यूज़ किया, उसके अंदर हमने अगर यूज़र से लेना है इनपुट टाइप ईमेल, तो हम क्या करेंगे, इनपुट टाइप ईमेल, सर्वर को पता लगे कि इसमें से ईमेल आ रही है तो हम यहाँ पे नेम में भी ईमेल लिख देंगे ताकि सर्वर को भी पता लगे कि ईमेल आ रही है। और प्लेस होल्डर में लिख देते हैं ईमेल एड्रेस ताकि यूज़र को पता लगे कि इसमें मैंने ईमेल एड्रेस एंटर करना है। लाइन को ब्रेक करते हैं ताकि वो नेक्स्ट लाइन में आए, हमने दो बार यूज़ किया, इससे दो लाइन ब्रेक्स आएंगी हमारे पास। पासवर्ड के लिए इनपुट टाइप पासवर्ड, सर्वर को पता लगे कि इसमें से वैल्यू जो आ रही है पासवर्ड आ रही है तो उसके लिए हम पासवर्ड लिखेंगे। यूज़र को पता लगे कि इसमें हमने पासवर्ड एंटर करना है तो यहाँ पे प्लेस होल्डर में सिंपल हमने पासवर्ड लिखा। एंड सबमिट के लिए दोबारा से दो लाइन ब्रेक्स हम यूज़ कर लेते हैं, इनपुट टाइप सबमिट, इनपुट टाइप सबमिट, बाय डिफ़ॉल्ट सबमिट की वैल्यू जो होती है सबमिट ही होती है तो अगर हम इसकी वैल्यू चेंज करना चाहें मतलब यूज़र को शो करवाने के लिए, हम सिंपल लॉगिन, उस वैल्यू में जो भी हम लिखेंगे लॉगिन और वह यहाँ पे लॉगिन शो हो जाएगा। जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे इसका ईमेल एड्रेस और पासवर्ड सर्वर के पास जाएगा, सर्वर चेक करेगा कि आया ये ईमेल हमारे अकाउंट डेटाबेस में ऑलरेडी मौजूद है या नहीं, मौजूद होगी वो देखेगा कि करेक्ट है ईमेल एड्रेस, करेक्ट, क्या उस ईमेल एड्रेस का पासवर्ड यही है, पासवर्ड अगर करेक्ट हुआ तो वो लॉगिन कर देगा, अगर तो करेक्ट नहीं हुआ तो वो हमें एक रिस्पॉन्स दे देगा जिसकी मदद से फिर हम यूज़र को शो करवा सकते होंगे कि आपका ईमेल और पासवर्ड रॉन्ग है। तो ये जब हम जावास्क्रिप्ट पे पहुँचेंगे हम इसको तब कर सकते होंगे इंशाल्लाह। तो अभी ये सिर्फ सिर्फ स्ट्रक्चर बनाने की हद तक था जी। अब पूछें किसका क्या सवाल है, कोड भी आपके सामने है। एनीवन, जी क्लियर है सबको? हाँ जी, आज के लिए काफ़ी है, बस हमने इतना ही पढ़ना था। जी गाइस क्लियर है? ओके जी, ठीक हो गया जी। किसी का कोई भी सवाल हो आप लोग पूछ सकते हैं, बाकी ये कोड जो है ये कोड भी मैं सर से शेयर कर दूंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं यही वाला स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगा, ये आप लोग खुद इसको डिज़ाइन कीजिएगा, मतलब स्ट्रक्चर बनाइएगा ताकि आप लोगों को भी समय लगे आए, और कोड करें आप इसको, फॉर्म्स को, टेबल्स को भी, ये टेबल्स और ये फॉर्म्स हैं तो इसे आप कोड कीजिएगा ज़रूर, और जिस चीज़ की समझ ना लग रही हो वो आप लोग पूछ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। तो इंशाल्लाह हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे।
जी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप भी पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह अजीज सर भी अगले 2 मिनट के अंदर अंदर हम उसको वाइंड अप करेंगे। लास्ट से थोड़ा बताइएगा, मेरी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। जी मैडम इसका ये है कि ये भी ना यूट्यूब पे अपलोड भी हो जाएगा और आप इसको देखिएगा, और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन होगा जी हसन पूछिए, इरेलीवेंट जो क्वेश्चन है ये तो हो जाएगा अपलोड, और अपलोड होने के बाद ये है कि आप वहाँ से भी देखा कीजिए और फिर ऑफिस में भी जब आएंगे फिर भी इंशाल्लाह आपको असिस्टेंस दे दी जाएगी इंशाल्लाह। जी हसन असलम पूछें। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सवाल है ये आपका। जब हम अपनी वेबसाइट को अपलोड करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने लास्ट क्लास ली होगी उसमें मैंने डिप्लॉय का बताया था कि डिप्लॉय करेंगे, होता क्या है जब हम वेबसाइट फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल पर ही आते हैं। अब इस गूगल में देखें, ये गूगल जो है सिक्योर वेबसाइट है, यहाँ पे देखें इसमें लिखा हुआ भी है कनेक्शन इज़ सिक्योर। इसका हम यूआरएल अगर देखते हैं तो यूआरएल जो है HTTPS है। HTTPS स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, कि ये सिक्योर है, सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जो वेबसाइट सिक्योर नहीं होती है उसका यूआरएल जो होता है HTTP से स्टार्ट होता है, वो वेबसाइट सिक्योर नहीं होती है। डिफरेंस क्या है इसमें कि जो सिक्योर वेबसाइट्स नहीं है उसमें यूज़र का डाटा बहुत ईजीली हैक हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी इनसिक्योर वेबसाइट में यूज़र नेम और पासवर्ड दे रहे हैं, हैकर्स उसको बहुत इजीली हैक कर सकते हैं, और अगर आप पेमेंट इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं तो हैकर क्या है उसको बहुत इजीली हैक कर सकता है, और आपकी पेमेंट इंफॉर्मेशन गेट करने के बाद वो कुछ भी ट्रांजैक्शन कर सकता है इजीली। तो सबसे मेन चीज़ भी यही है कि जब भी हम कोई पेमेंट कर रहे हों तो हमें क्या चाहिए कि हमेशा सिक्योर वेबसाइट पे ही पेमेंट करें, अपना कार्ड मेथड ऐड करें, और इनसिक्योर वेबसाइट पे नहीं करना चाहिए। तो यही सिंपल सा डिफरेंस है। HTTP होगा तो उसको प्रोटोकॉल जो मिलता है सिक्योर प्रोटोकॉल वो उसमें नहीं इम्प्लीमेंट होता है। एक्चुअल में ये जो है ना, ये HTTP और HTTPS है, ये S जो है ये इसे SSL सर्टिफिकेट की मदद से हम इसको सिक्योर करते हैं। तो जब हम प्रोफेशनल वेबसाइट्स को डिप्लाई कर रहे होते हैं तो SSL सर्टिफिकेट हमें ख़रीदना पड़ता है, तो तब जाके हमारी वेबसाइट सिक्योर होती है। जी 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 पूछें। कौन सी वेबसाइट? होस्टिंग वालों ने, होस्टिंग वालों ने। जी ओके जी, जज़ाकअल्लाह जी। और किसी का कोई सवाल हो? एनीवन? सर मैं हयात साहब को वेलकम करना चाहता हूँ, सिर्फ हयात साहब जरा ताखीर से पहुँचे। हयात साहब हैं अभी यहाँ पे या नहीं है? मैं सिर्फ उन्हें देखना चाह रहा हूँ, एक आ गए हैं जी माशाल्लाह। अच्छा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के लिए आसानी वाला मामला फरमाए। आमीन सर बहुत ताखीर हो रही है, आपने भी जी। नहीं फर्दर भी कोई काम करना होगा, माजरा चाहते हैं नहीं नहीं कि कोई इशू इंशाल्लाह नहीं, कहीं मोस्ट ना कहीं वेलकम मौका है, ले लेते हैं। कोई बात नहीं। आज वैसे भी थोड़ा 10 मिनट लेट ही हुआ था, बाकी वो स्टार्टिंग का थोड़ा बहुत होता है, बाद में तो कोई इशू नहीं है। मोस्ट वेलकम, बेशक मेरी तरफ से 1 घंटा और ले लें, पर जी जी समझ बिल्कुल जाया बिल्कुल करें। एक्चुअल में ना मेरा ख्याल है आप लोगों की इस तरफ ना बहुत लेट हो जाता है ये सिस्टम। जी, ऐसा ही मैं है। 1 मिनट ये रिकॉर्डिंग सर ज़रा ख़त्म करूँ, उसके बाद डिस्कस करते हैं।